اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. कल के दर्स में दो बातें रह गई थी, यानी सूरह नूर के उसके आखिरी रुकू में था कि जब अपने घर में भी दाखिल हूं तो सलाम करके दाखिल हूं, तो उसके साथ एक रिवायत है वो मैं भूल गया कि जो बिस्मिल्लाह करके दाखिल होगा, सलाम की बात तो कुरान पाक में आ गई, तो अल्लाह उसके घर की शैतान से हिफाजत फरमाएगा। और जब आदमी बिस्मिल्लाह कर पढ़ के दाखिल होता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि अब यहाँ न खाने का इंतजाम है न रात को रहने का इंतजाम है, कोई और घर तलाश करो। और जब आदमी सलाम भी नहीं करता, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ता, तो फिर शैतान कहता है अब खाने का भी इंतजाम हो गया, रहने का भी हो गया। एक और बात बच गई थी, वो गज़वा बनु मुस्तलक में सुना रहा था तो बीच में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तोहमत की बात आई, तो मेरे जहन से वो गज़वे की बात निकल गई। उसका नतीजा क्या निकला? ये गज़वा लड़ाई के एतबार से कोई बहुत अहम नहीं है, लेकिन नतीजे के एतबार से बहुत जबरदस्त गज़वा है। जो इस कबीले के सरदार थे हारिस, जब यहाँ हमला हुआ तो वो भी भाग गए और उनकी फौज भी भाग गई। 200 लोग गिरफ्तार हो गए तकरीबन, जिनमें इस कबीले के सरदार हारिस की बेटी हजरत जुबैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी गिरफ्तार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो कैदियों को बांट दिया गया। पहले आपने वहां क्याम रखा कि वो लोग आ जाएं और कुछ सुलह हो जाए, मामला रफा दफा हो जाए। वो नहीं आए तो कैदी बांट दिए गए। उस वक्त में कैदखाने नहीं थे, कैदियों को लोगों के घरों में बांट दिया जाता था। तो हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बट गई और एक सहाबी के घर पहुंच गई। इनकी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने पैसे दे सकती हो, और उनको मालूम था दे सकते हैं, इसके बाप तो सरदार है कौम का, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये परेशान हुई कि बाप तो यहां है नहीं, वो तो भाग गया, पता नहीं कहां गया, पैसे कहां से लाऊं। तो किसी ने इनको बताया कि मुनासिब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही चंदा मांगो। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही चंदा करने के लिए गई। देखो ये इस तरह की जंग होती थी, अखलाक और किरदार से लोग गिरते नहीं थे। जंग हुई, कैदी बने और चंदा भी मांगने आ गए। ये चंदा लेने के लिए आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे बेहतर तुम्हें एक तरीका बताऊं। उन्होंने अर्ज किया वो क्या है? फरमाया तुम्हारा चंदा मैं अदा कर देता हूं सारी रकम, किस किस से चंदा मांगोगी, उसके बाद तुम ईमान कबूल कर लो, मुझसे निकाह कर लो। उन्होंने थोड़ा सोचा और फरमाया बहुत अच्छा, मुझे ये मंजूर है। ईमान भी कबूल हो गया, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी हो गया। आजकल के जाविये से अगर देखेंगे तो बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि अच्छा कैदी होकर आई, चंदा मांगने आई और उसको कहा कि तुम निकाह कर लो, सारा चंद मैं दे देता हूं। लेकिन जो वहां नतीजे निकले, जिसके ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर थी, तो फिर देखो इसमें क्या हिकमतें छुपी हुई थी। आपने जैसा उनसे निकाह किया, सहाबाए किराम को पता चला कि ये तो सारा कबीला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हो गए। कोई चचा ससुर होगा, कोई फूफा ससुर होगा, कोई साला लगेगा, कोई
सबके सब रिश्तेदार हो गए तो ससुराली रिश्तेदार, तो 200 लोग एक ही दिन में सहाबा ने आजाद कर दिए। कहा भाई अब नहीं तुम कैद रख सकते हो, पहले तो कैद रखे थे कि आएंगे इनके घर वाले कुछ जुर्माना अदा करेंगे, क्यों हमला कर रहे थे, तावाने जंग, बड़ा नाक चढ़ाते आए लोग के तावाने जंग ले रहे थे, आपकी पूरी रियासत तावाने जंग में तो गई थी। सिखों ने लड़ाइयां की अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए उन पर जुर्माना चढ़ाया और वही जुर्माना वो दे नहीं सके, गुलाब सिंह साहब ने दिया, तो रियासत आपकी पूरी उनके कब्जे में चली गई। तो तावाने जंग, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो कल परसों की मैं सुना रहा हूं। तो सहाबा ने सबको आजाद कर दिया, 200 लोग। ये सब जब अपने घरों को वापस गए, लोग हैरान ये क्या हो गया। इन्होंने जब पूरा किस्सा सुनाया तो पूरा कबीला मुसलमान हो गया, 700 लोग थे, एक दो नहीं, सब मुसलमान हो गए। इस पर हजरत जुवेरिया के वालिद हारिस को भी एहसास हुआ, मेरी बेटी तो गिरफ्तार ही रहेगी, बाकी सारे आ गए, तो मैं अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कोई इंतजाम करूं। तो इन्होंने कुछ ऊंट लिए जुर्माने में देने के लिए, लेकिन जब मदीना के करीब पहुंचे तो 2 ऊंट बड़े कीमती थे, तो जहन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब देने पड़े सारे दे दूं, तो ये वो छुपा के रख दिए, किसी दरख्तों के झुंड में बांध दिए और बाकी लेकर के गए। तो कहा कि चलो ये दे दूंगा, अगर उन्होंने जोर लगाया कि नहीं और ऊंट लाओ तो फिर इनको भी ले जाऊंगा, वरना इन्हीं पर इक्तफा हो जाएगा। ये मदीना पहुंचे, मुलाकात हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहने लगे मैं ये जुर्माने में ऊंट देने के लिए लाया हूं। आपने फरमाया कि अच्छा, खराब खराब लाए हो जुर्माने में देने के लिए, और जो अच्छे अच्छे थे वो दरख्तों के झुंड में छुपा के आए। उन्होंने कहा कौन से दरख्तों के झुंड में, फरमाया वो फलानी जगह नहीं बांध रखे तुमने। बस उसी पर इनको कलिमा नसीब हो गया, इन्होंने कहा कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, ये तो किसी बशर को मालूम नहीं है जहां मैंने छुपाए, किसी को मालूम नहीं, आपको कैसे पता चला, ये तो वही के जरिए से आपको मालूम हुआ, आप तो अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप वो भी ले लीजिए, तो छोड़ दीजिए। फरमाया नहीं, इसी तरह ले जाओ अपनी बेटी को, मगर बेटी से पूछ लो, अगर जाना चाहती है तो ले जाओ, और अगर वो न जाना चाहे तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये बेटी से मिली हजरत जुवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से, तो उनसे पूछा कि वापस चलो घर, तो उन्होंने कहा उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद कर लिया है, अब मैं और कहीं जाने वाली नहीं हूं। इस पर वालिद को भी ईमान नसीब हुआ कि क्या अखलाक है इन लोगों के, क्या किरदार है, हम किन से झगड़ा कर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी कि मैं नहीं समझती कि कायनात में कोई औरत हजरत जुवेरिया से ज्यादा खुश किस्मत हो कि जिसकी वजह से 200 आदमी को रिहाई भी मिली और ईमान भी नसीब हुआ, और फिर 700 लोगों को ईमान नसीब हो गया। और मैं कायनात में इनसे बढ़ करके ऐसी कोई खुश किस्मत औरत नहीं है जिसके सदके में इतने इंसानों को ईमान भी नसीब हुआ, रिहाई भी नसीब हो गई। ये वो कैदी थे जिनके ऊपर मुनाफिकीन की नजर थी और वहां से मिलने वाली कुछ चीजों पर नजर थी जिसके लिए वो गए थे और जिसकी वजह से बार बार उनकी मुनाफ़त छलक छलक कर बाहर आ रही थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, और कहा उन लोगों ने, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं करते थे, लिक़ाअना, हमसे मिलने की, जो उम्मीद नहीं करते अल्लाह से मिलने की कि कहीं महशर बपा होगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो ईमान नहीं कबूल करना चाहते तो उसके लिए बहाने करते। क्या बहाना करते, लौला उन्ज़िल अलैना अल मलाइका, क्यों नहीं उतारे जाते हम पर फरिश्ते, अगर आप नबी हैं कह दीजिए खुदा को फरिश्ते आ जाएं, पूरी जमात आए फरिश्तों की, पूरी टीम आकर हमको बताए कि अल्लाह के नबी है, औ नरा रब्बना, या हम अपने खुदा रब को देखते क्यों नहीं है, रब सामने आए आकर के हमको बताए कि ये मेरा नबी है, तुम कलमा पढ़ लो, क्यों नहीं रब हम रब को हम देखते। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़े बने, लकद इस्तकबरू, यकीनन इन्होंने तकब्बुर किया, फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में अपने आप को बड़ा समझा,
कि खुदा हमारे सामने आए, फरिश्ते हमारी खिदमत में आए, उसके बाद हमें तबलीग की जाए, फिर ईमान लाएंगे। बड़े बन गए, वतुवन कबीरा, और ये तो सरकश हो गए, बड़े ही सरकश, बहुत ऊंचे हो गए। यौम यरौनल मलाइका, फरमाया फरिश्तों को देखना चाहते हो? जब फरिश्तों को देखोगे ना, फरिश्ते तो अजाब के फरिश्ते हैं, फरिश्ते तो क़यामत के दिन आएंगे, फरिश्ते क़यामत का पैगाम लेकर के आएंगे। और जब वो फरिश्ते आएंगे, यौम यरौना, जिस दिन देखेंगे वो अल मलाइका फरिश्तों को, ला बुशरा, छुपा हुआ है, कहेंगे कोई नहीं, ला बुशरा, कोई खुशखबरी नहीं होगी, यौम दिन, उस दिन, लिल मुजरिमीना, मुजरिमों के लिए, छुपा हुआ नहीं, वयकुल ला बुशरा, नहीं है कोई खुशखबरी, यौम दिन, उस दिन, लिल मुजरिमीन, मुजरिमों के लिए। फिर खुशखबरी का, फिर तो अजाब है, फिर तो जहन्नम है, उसमें कौन सी खुशखबरी की बात। वयकुलून हिजरम महजूरा, आज कहते हैं फरिश्तों को दिखाओ, और जब फरिश्ते नजर आएंगे, वयकुलून, और वो कहेंगे हिजरन, बचाओ, महजूरन, बचाया हुआ, कोई आड़ हो, कोई रुकावट खड़ी हो जाए, हम फरिश्तों को नहीं देखना चाहते। हदीस में है कि गुनहगार की रूह निकालने के लिए जो फरिश्ते आते हैं, वह बहुत भयानक सूरत में आते हैं। अगर दुनिया में इंसान उसका तसव्वुर करे तो हार्ट अटैक हो जाए, क्या उनकी भयानक शक्ल होगी। फिर कहेंगे बचाओ, बचाओ, फरमाया फिर महशर का मैदान लगेगा। और फिर वो, मैंने कहा काफिरों की दो किस्में, एक वो जो कुछ थोड़े बहुत नेकियां करते थे, और कुछ वो जो करते ही नहीं। तो जो छोटी मोटी नेकियां करते हैं, वो क्या कहेंगे, उनका क्या होगा। वक़दिमना इला मा आमिलू, और हम मुतवज्जे होंगे उन आमाल की तरफ, मा आमिलू, जो उन्होंने अमल किए हैं, उन कामों की तरफ हम मुतवज्जे होंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, हम उसको बना देंगे उड़ती हुई गर्द। आदमी अपने मालिक को न माने और उसके बावजूद कुछ नेकियां करता रहे, पुण्य करता रहे, तो अपने लिए कर रहा है, अपनी शोहरत के लिए कर रहा है, लीडरी के लिए कर रहा है, कल वोट हासिल करने हैं, लोगों पर एहसान कर रहा है, किसी का पुल बना रहा है, किसी की सड़कें बना रहा है, अल्लाह को इससे क्या सरोकार है, कल लोगों पर एहसान जितलाएगा तो कौन सा कमाल किया। फरमाया ऐसे आमाल को हम उड़ती हुई गर्द बना देंगे। अस्हाबुल जन्ना, और वह जिन्होंने अपने मालिक को माना और फिर वो मरने के बाद जन्नत में गए, अस्हाबुल जन्ना, और जन्नत वाले, यौम दिन, उस दिन, खैरुन, बेहतर होंगे, मुस्तकर्रन, मुस्तकिल, ठहरने के एतबार से, वह अहसन मकीला, और बहुत अच्छे होंगे थोड़ी देर आराम करने के एतबार से। गर्म इलाकों में इंसान दोपहर को थोड़ी देर आराम करता है, इसको कहते हैं कैलूला, उसी से मकील है, और मुस्तकिल आराम करता है रात को, उसको मुस्तकर कहते हैं। वो मुस्तकिल आराम के एतबार से भी अच्छे हैं, और थोड़ी देर कैलूला करने के एतबार से भी बड़े जबरदस्त हैं। वह यौम तशक्कक़ अस्समाउ बिल ग़माम, कब ये दुनिया फना होगी और कब अल्लाह की अदालत लगेगी। फरमाया अभी तो एक एक करके लोग मरते रहेंगे, फिर एक वक्त आएगा ये सारी कायनात मरेगी। कैसे मरेगी। वह यौम तशक्कक़ अस्समा, याद करो जब आसमान फटेगा, बिल ग़माम, एक धुएं के साथ, एक बादल के साथ। कैसे बादल होगा, किस तरह धुआं होगा, जाहिर है कि हमने देखा नहीं, हमें क्या मालूम। वनुज़िरुल मलाइका, और फिर फरिश्ते आ जाएंगे जिन्होंने इंसानों के रिकॉर्ड लिखे थे तंजीला, जबरदस्त तरीके से, और फिर अल्लाह फैसला करेगा, आखिरी जजमेंट होगी, फाइनल जजमेंट। अल मुल्क यौमैदिन, बादशाही उस दिन, अल हक, बरहक, अल्लाह के लिए होगी, लिर रहमान, सच्ची बादशाही उस दिन, लिर रहमान, रहमान की होगी, किसी की बादशाही नहीं, कोई जज नहीं, आज अल्लाह फैसला करेगा। तो दुनिया में भी तो अल्लाह की बादशाही है, मगर दुनिया में उसने इंसानों को थोड़ी छूट दी हुई है, किसी न किसी का एक दूसरे पर अडर चलता रहता है, बड़े भाई का छोटे पर, बाप का बेटे पर अडर चलता रहता है, क़यामत के दिन किसी का किसी पर नहीं। वकान यौमन अलल काफिरीन असीरा, और वो दिन बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा सख्त होगा, अलल काफिरीन, जो उसको नहीं मानते थे, जो उसका इनकार करते थे कि मर के कोई जजमेंट ही नहीं, फैसला ही नहीं, ये दुनिया अंधेर नगरी चल रही है ऐसी। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिम, और जिन्होंने जुल्म किए होंगे, यअज़्ज़ु, वो जालिम काटेगा, अला यदैही, अपने हाथ पर, अफसोस की वजह से, हाय
मुझे क्या हुआ था, मैं पागल हो गया था, अपने मालिक को नहीं मानता था, मैं यही नहीं समझता था कि मर के कहीं हिसाब देना है। यकूलु या लैतनी, वो कहेगा हाय मेरी बदबख्ती, हाय अफसोस, इत्तखज्तु मअर रसूल सबीला, अफसोस इत्तखज्तु, मैंने बनाया होता मअर रसूल, अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के भेजे हुए नेक बंदे के साथ, प्रॉफिट के साथ, सबीलन रास्ता, काश के मैंने उनके साथ कोई रास्ता बनाया होता, उनके तरीके पर चला होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फलानन खलीला, या वैलता, हाय मेरी बदबख्ती, लैतनी, काश के मैंने, लम अत्तखिज, न बनाया होता फलानन खलीला, फला आदमी को दोस्त। तवज्जो, अक्सर दुनिया में लोग बहुत अच्छी सोच के होते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाएं, कोई नया तरीके से जिंदगी गुजारें, अच्छा तरीका अपनाएं। क्या कर रहे हैं, बस गफलत में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर दोस्तों की वजह से वो इस रास्ते पर नहीं आ सकते, बस यूं ही जिंदगी गुजरती रहती है, धक्का चलता रहता है जिंदगी का, लेकिन वो अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकते दोस्तों की वजह से। मरने के बाद जब पता चला कि इन दोस्तों ने बेड़ा गर्क किया है, तो फिर आदमी अपना हाथ काटेगा, हाय इस बदबख्त की वजह से मैं फंस गया। और आज कितने बच्चे हैं, अच्छे घरों के बच्चे, अच्छे बच्चे, लेकिन फिर नशों के शिकार होते हैं और नशा करते करते लास्ट में खुदकुशियां करके मरते हैं, इंजेक्शन उनके बाजू में रहता है, यूं ही मर जाते हैं। क्यों ये हालात उनके साथ होते हैं, गंदे लोगों को दोस्त बनाते हैं और कोई मसला नहीं है। उधर से गंदे लोगों का मिशन है कि वो इसी तरह इनको बर्बाद करें, घरों के चिराग गुल करें। लकद अज़ल्लनी अनि ज़िक्र, यकीनन इस बदबख्त मेरे दोस्त ने अज़ल्ला, भटका दिया, नी मुझको फिसला दिया, अनि ज़िक्री, नसीहत से, अच्छी बात से, बाद इज जाअनी, जबकि ये नसीहत कुरान की मेरे पास आई थी, मैं कुरान सुनने लगा था, मगर मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने फोन करके मुझे बुला लिया। वकान शैतान लिल इंसान खदूला, और इंसान और शैतान है ही इंसान को धोखा देने वाला। आदमी के अंदर कोई ना कोई ताकत है, हर आदमी मानेगा कि जो अंदर से उसके दिल में अजीब ख्याल आते रहते हैं, आदमी अच्छा काम करने लगता है उसके दिल में बुरे ख्याल आते हैं, क्या कर रहा है यार, छोड़ दफा कर, हैं, अच्छा काम करता है, मालिक को याद करता है, उसके दिल में बुरे ख्याल आते हैं, ये बुरे ख्याल कौन लाता है, इसी को हम कहते हैं शैतान लाता है। और जब तक आदमी बर्बाद होता तब तक ये कहता रहता है करता जा मैं तेरे साथ हूं, लेकिन जब आदमी फंस जाता तो शैतान साइड हो जाता है, कहता है जा दफा, तू मर, मैं आराम कर रहा हूं। वकाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ु हादल कुरान महजूरा, वकाल रसूल, और कहेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब्बी, ए मेरे रब, इन कौमी, बेशक मेरी कौम ने, इत्तखज़ु हादल कुरान, बनाया था इस कुरान को, महजूरन, छोड़ा हुआ, सब कुछ पढ़ते थे कुरान नहीं पढ़ते थे, अंग्रेजी सीखते थे, इतनी सीखते थे कि बरतानिया में जाकर अंग्रेजों को पढ़ाते थे, मगर अरबी भी नहीं सीखते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे। आज दुनिया में जितने लोग कुरान को नहीं मानते हैं, चाहे वो नाम के मुसलमान हों और चाहे ना हों मुसलमान, क्योंकि जो कुरान के तरीके पर नहीं चलता है वो खाली लिस्ट का मुसलमान है, कुरान बार बार कह रहा है ये असल में काफिर है, ये पक्के काफिर है। तो जो कुरान को, जो भी नाफरमान है, वो सब के सब वो हैं जो कुरान नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं कि किसी ने कुरान पढ़ा, स्टडी की, पीएचडी की, बहुत अच्छी तरह समझा और फिर उसने कहा, गौर करके देखा कि कुरान तो ठीक नहीं है। और कुरान पाक में दो मकाम है, एक 20वें पारे में आएगा और एक आगे आएगा, ना 22वें पारे में। कुरान पाक में ये दो मकाम है, अल्लाह कहता है कि लोगों से ये गिला नहीं है कि कुरान को मानते क्यों नहीं, शिकवा ये है कि पढ़ते ही नहीं है। चुनांचे दुनिया में अगर 1,00,000 लोग कुरान को नहीं मानते हैं तो 99,999 वो निकलेंगे जिनको आप पूछें कि कुरान में क्या खराबी है, कहेंगे हमने नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या खराबी है, वैसे हम मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं भाई, आपने इतनी किताबें पढ़ी, एक मरतबा अपने मालिक की इस किताब को भी पढ़ के देख लेते फिर फैसला करते। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा, और इसी तरह बनाया हमने हर नबी के लिए एक दुश्मन, मिनल मुजरिमीन, जुर्म करने वालों में से क्रिमिनल लोग हैं। वकफा बि रब्बिका हादिया, और काफी है तेरा रब रहनुमाई के एतबार से, व नसीरा, और मदद के एतबार से। वकाल अल्लज़ीना कफरू,
اور کافروں کو جن کو قرآن ماننا نہیں وہ الٹے اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر, کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ مالک کا کلام ہے چلو ہم نے مان لیا, مگر اس میں یہ بات کیوں ہے؟ یہ صرف کس لیے؟ کہ تاکہ نہ ہم پڑھیں اور نہ اس کو مانیں. کیا اعتراض کرتے تھے؟ کافر کہتے تھے مکہ کے, لولا نزلا, کیوں نہیں اتارا جاتا ہے علیہ اس پر القرآن, یہ قرآن جملتم واحدہ اکٹھا, 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا. کہتے اکٹھا کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ خود بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شاعر بھی ایک ساتھ ساری شاعری نہیں کر دیتا, ایک ہی رات میں سارا دیوان لکھا, صبح اٹھ کر کے ساری نظمیں اور کویتیں سنانے لگ گیا, وہ بھی آہستہ آہستہ مرتب کرتا ہے. کہا یہ تھوڑا تھوڑا کیوں روزانہ سناتے, اکٹھا کیوں نہیں اترتا؟ فرمایا اسی میں حکمت ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا. کذالک, اسی طرح آئے گا, لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں. جب کوئی بات پیش آئے فوراً قرآن آئے, اس کا جو دل کے اوپر اثر ہوگا, وہ پوری کتاب سامنے موجود ہو اس سے اتنا تھوڑا اثر ہو سکتا ہے. جو واقعہ پیش آیا, حضرت عائشہ پر تہمت لگی, فوراً قرآن پاک اترا تو اس کا دل پر اثر ہوا. ہم اسی طرح کر کے اتاریں گے تاکہ آپ کا دل جم جائے. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم نے اس کو پڑھا ٹھہر ٹھہر کر کے. ولا یاتونک بمثل, اور نہیں لاتے ہی آپ کے پاس کوئی حالت, کوئی اعتراض, کوئی اعتراض نہیں کرتے, کوئی شک اور شبہ پیش نہیں کرتے قرآن کے بارے میں. الا جینا کا بالحق, مگر ہم پیش کر دیتے ہیں سچی بات. واحسن تفسیرا, اور اس کی شاندار تشریح کر دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, اصل بات یہ ہے جو اپنے مالک کو ماننا نہیں چاہتے وہ اس طرح کے الٹے اعتراض کر کے پیچھا چھڑاتے. یہ ایک حقیقت ہے, قرآن پاک نے بیان کیا. کوئی آدمی کتنا بھی گندا کام کرتا ہے, مگر وہ اپنے گندے کام کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لے گا. چور چوریاں کرتا ہے, کہتا ہے چوریاں کرتا ہوں, ان بڑے بڑے بدماشوں کو لوٹتا ہوں اور غریبوں پر خرچ کرتا ہوں میں, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے گا. شرابی شراب پیتا ہے, اپنا آپ برباد کر رہا ہے, گھر برباد کر رہا ہے, کیوں پی رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا اکثر شرابی کیا کہتے, میں شراب ہی تو پیتا ہوں, انسانوں کا خون تو نہیں چوستا ہوں. ارے یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ ہر آدمی اپنی طرف سے اعتراض. فرمایا یہ سارے اعتراضات ختم ہوں گے جب رب کی عدالت میں پیش ہوں گے. الذین یحشرون علی وجوہہم, وہ لوگ جن کو جمع کیا جائے گا ان کے چہروں کے بل, رب کی عدالت میں اس طرح آئیں گے کہ چہرے کے بل چل رہے ہوں گے. الی جہنم, الی جہنم کی جانب. اولئک شر مکانا, یہ لوگ بہت برے ہیں مرتبے کے اعتبار سے. وَأَذَلُّ سَبِيلًا, اور تب پتہ چلے گا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے. اور یہ جو اعتراض آج ہو رہا ہے, کہیں آج ہی ہو رہا ہے؟ کہا نہیں, ہر دور کے اندر جو بھی کوئی مصلح آئے, ریفارمر آئے, اچھی بات بتانے کے لیے آئے, لوگوں نے ان کے ساتھ یہی رویہ کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, اور بنایا تھا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا معاون, ان کا مددگار. فَقُلْنَا اِذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, تو فرعون اجبت کا وہ بادشاہ, ہم نے قلنا, ہم نے کہا اِذْهَبَا, دونوں جو, إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ, ان لوگوں کی طرف, فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا, جاؤ ان کو جا کر کے سمجھاؤ. سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے, نہیں مانے. کیا نتیجہ نکلا؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, تو ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا, جڑ سے ختم ہو گئے, سب اٹھا کر سمندر میں پھینک دیے گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی حال سنو. لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ, جب انہوں نے سارے رسولوں کو جھوٹا کہا. دیکھو انہوں نے ایک رسول کو جھوٹا کہا تھا, مگر قرآن کہتا ہے سارے رسولوں کو. کیوں؟ جو ایک آدمی کو اللہ کے بندے کو نہیں مانتا, گویا وہ کسی کو بھی نہیں مانتا. ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ جو بھی کسی قوم کے بزرگ ہیں تم ان کو برا نہیں کہہ سکتے ہو, اللہ ہی جانتا وہ کیسی حالت میں تھے. یہاں تک کہ جن پتھروں کو وہ پوجتے ہیں, فرمایا ان کو بھی گالی مت دو. ولا تسب الذین, گزشتہ سے پیوستہ رات ہی تو پڑھا نا, گالی نہ دو ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, برا نہ کہو. جو ایک رسول کو انکار کرتا ہے وہ سب کا انکار کرتا ہے, لیکن پتھروں کو برا کیوں نہ کہو؟
फरमाया वो तो नहीं खुदा हो सकते ना वो रसूल हो सकते, उनको इसलिए बुरा ना कहो कि जिसको कोई पूजता है उसकी उसके दिल में मोहब्बत होती है। अगर तुम इनको बुरा कहोगे वो पलट कर अल्लाह को बुरा कहेंगे, हालांकि अल्लाह तुम्हारा भी उतना ही है उसका भी उतना ही है, मालिक तो सबका एक है। अगरकनाहुम, जब उन्होंने रसूलों को झूठा कहा तो हमने उन सब का बेड़ा गर्क किया। वजअलनाहुम लिन्नासि आया, और हमने उनको इंसानों के लिए एक निशानी बनाया। वअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और ऐसे जालिमों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया। वअदम वसमूद, और एक कौम गुजरी है कौम आद, उसका भी तज़किरा करो और कौम समूद का भी तज़किरा सुनो। वह अस्हाबर रस, और एक कुआं वाली कौम थी उसका भी तज़किरा सुनो। तफसील तो सूरह हूद में आएगी, इजमालन मैंने बता दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये अरब की एक बड़ी कौम थी कौम आद। कहाँ थी? आज का जुग्राफिया अगर आपके सामने है तो ये सऊदी और यमन और सीरिया लबनान, इसके बीच का इलाका है, रेतीला इलाका है। आज के जुग्राफिये में इसको अर्रुबुल खाली कहते हैं, और पुराने जुग्राफिये में कुरान ने इसको अहकाफ कहा, रेतीला इलाका। ये रेतीला नहीं था, बड़ा जरखेज इलाका था। अल्लाह का अजाब आया, ये सारे का सारा रेत के तूदा में तब्दील हो गया। वसमूदा, और एक दूसरी कौम थी कौम समूद, ये कहां पर थी? ये आज सऊदी में है, और सऊदी से जब फलस्तीन की तरफ जाते हैं तो पहला शहर खैबर आएगा, तो खैबर के बाद यही इलाका आता है। आज जुग्राफिया में इसका नाम मदायन साले है। यहां पर यह कौम हुई, इसने भी अपने मालिक का इनकार कर दिया, इनको भी समझाया गया नहीं माने, फिर ये भी बर्बाद हुए। वह अस्हाबर रस्सी, और कुएं वाले, ये कौम कहाँ थी? कुरान ने इसकी कहीं तफसील नहीं बयान की, लेकिन इतना मिलता है कि कोई नेक बंदा अल्लाह का नबी इनको समझाने के लिए आया, इन्होंने उस नबी को ही कुएं के अंदर उल्टा करके लटकाया, और यूं वो दुनिया से चले गए। फिर इन पर भी खुदा का अजाब आया। वह कुरून अम्बई नजाली का, और बहुत सारे जमाने के लोग इसके बीच में भी हुए, कसीरन, उन सब को भी हलाक किया गया जब उन्होंने नहीं माना। ऐ इस दौर के इंसानों, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वकुल्लन ज़रबना लहुल अम्साल, और हर एक के लिए हमने मिसालें पेश की थी, उनको समझाया था। वकुल्लन तब्बरना तदबीरा, और हर एक को हमने फिर सफे हस्ती से मिटा दिया, तहस नहस कर दिया, नाम ही मिट गया दुनिया से। वलकद अतौ अलल क़रिया, और ए मक्का वालो, तुम तो उस बस्ती के पास आए हो। कौन सी बस्ती? अल्लती उम्तिरत मतरसौ, जिसके ऊपर बुरी बारिश बरसी थी। ये कौन सी बस्ती थी? ये आज जिसको डेड सी कहते हैं, फलस्तीन के पास से आज इसराइल के कब्जे में है, डेड सी, अल बहरुल मैयत अरबी में। उसका पानी बिल्कुल अलग किस्म का है, और हर एक सुंदर आपस में ज्वाइंट है, कहीं ना कहीं एक समुंदर का दूसरे से लिंक जुड़ता है, मगर इसका कहीं लिंक नहीं जुड़ता। इसके पानी के अंदर जहरीले असरात हैं, इसके पानी में नमक की शरह इतनी है कि आदमी यूं ही उसके ऊपर लेट जाए तो नीचे नहीं जाएगा, इस कदर नमक की शरह, जहरीले असरात हैं। परिंदे भी इसका पानी नहीं पीते हैं। ये डेड सी क्या था? कुरान के मुताबिक ये एक बस्ती थी, इसका नाम सुदूम था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनको समझाने के लिए आए। ये बहुत गंदे लोग थे, मर्द मर्द आपस में गंदे काम करते थे, गे सिस्टम। समझाया गया नहीं माने, आखिर खुदा का अजाब आया और ये बस्ती सारी जमीन में धंस गई और उसकी जगह समुंदर बन गया। अफलम, मक्का वाले यहां जाते थे क्योंकि जब वो बिजनेस करते थे तो इसी इलाके से होकर के गुजरते थे। मैं इंशाअल्लाह किसी मौके के ऊपर वो सड़क की निशानदेही करूंगा जिस रास्ते से ये तिजारत करते थे, तो ये सारी बस्तियां उस रास्ते पर आती थी, तभी इन्हीं बस्तियों का कुरान जिक्र करता है जिनसे वो वाकिफ थे। आए थे इस बस्ती पर तुम, अफलम यकूनु यरौनहा, तो क्या ये देखते नहीं उस बस्ती को? देखते हैं। बलकानु ला यरजुन नुशूरा, बल्कि ये बदबخت ये समझते हैं कि मर गए तो खात्मा हो गया, नहीं उम्मीद करते हैं इस बात की नुशूरा कि मर के दोबारा जिंदा होंगे और फिर मालिक की अदालत में जाएंगे और एक फाइनल जजमेंट होगी और वहां हिसाब देना पड़ेगा। वैदा रऔ कैन यत्तखिदूनक इल्ला हुज़ुवा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हाल है इनका? आप इनको समझाते हैं मगर ये आपको जब भी देखते हैं, इन यत्तखिदूनक इल्ला हुज़ुवा, तो ये आपको मजाक करने का जरिया बनाते हैं। और कैसे मजाक करते हैं? अहादल्लज़ी, ये है देखो तो सही, बअसल्लाहु रसूला, जिसको अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाकर
अपना संदेश देने वाला संदेशता बनाकर, मैसेंजर बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा, ये है जिसको खुदा ने भेजा। इनका दला युदिल्लुना, कहने लगे ये तो पक्का हमको हमारे खुदाओं से हटा देता, मगर हम भी बड़े तकड़े निकले, हमने छोड़ा ही नहीं, जिन पत्थरों को पूज रहे थे बस उन्हीं के ऊपर माथा टेकते रहे, मानी नहीं इसकी बात हमने। इनकादा, बेशक करीब था ये लयुदिल्लुना के हमको भटका देता, अन आलिहतीना, हमारे खुदाओं से, लौला अन सबरना अलीहा, अगर हम इन बुतों पर, इन खुदाओं पर, इन पत्थरों पर डटे ना रहते। वसौफ यालमून, फरमाया अभी अन करीब पता चलेगा, हीन यरौन अलअज़ाब, जब ये अजाब को देखेंगे, मन नज़ल सबीला, आज कहते हैं कि ये भटक गया है, अन करीब जब खुदा के अजाब को देखेंगे फिर पता चलेगा कौन भटका हुआ था। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, बहुत अहम मौका है, तवज्जो से सुनिए, उस मालिक को छोड़कर जो जिसके आगे झुका हुआ है, फरमाया उसको खुदा नहीं मान रहा है, खुदा किसको मान रहा है, वो अपने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा मान रहा है, अपनी तलब को, क्यों, इसलिए कि उस मालिक के सिवा जिसके आगे झुकता है, किस लिए, दुनिया के लिए, कोई चढ़ावा चढ़ा रहा है, झुक रहा है बेटा मिल जाए, लीडर झुक रहा है किस लिए, ताकि और लीडरी चलती रहे, कोई दूसरा, सब के सब दुनिया के लिए, तो इन्होंने किसी को खुदा नहीं माना, इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को खुदा माना हुआ है, जो दिल में आता है बस वही खुदा है। अफान ततकून अलैहि वकीला, तो ऐसे आदमी पर क्या आप जिम्मेदार हो सकते हैं। अम तहसबु अन अक्सरहुम यस्माउन, और जो आदमी अपनी ख्वाहिश को खुदा मान ले तो क्या तुम समझते हो कि वो बात सुन रहा है, नहीं सुनता है वो। अम तहसब, क्या आप गुमान करते हैं, अन अक्सरहुम, कि उनमें से अक्सर लोग यस्माउन सुन रहे, और याकिलून, या समझ रहे, नहीं समझते हैं। इनहुम इल्ला कल अनआम, नहीं है ये मगर जानवरों की तरह है, ये जानवर हैं, ये गधे हैं, बलहुम अजल, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा भटक गए हैं रास्ते से। क्यों, जानवर भी अपने घर को पहचानता है, और कुत्ता भी अपने मालिक के घर की राखी करता है, सारी रात उसके घर के चक्कर काटता है, सिर्फ किस लिए, कि ये मेरा मालिक है, इसने मुझे टुकड़ा दिया है। तो जिस मालिक की जमीन पर रहता है, जिसका खाता है, जिस मालिक ने उसको पैदा किया, ये उस मालिक को भूल गए, ये तो जानवरों से बदतर हैं। हमारे बुजुर्ग बुल्ले शाह ने इसी को क्या कहा, बुल्ले कोलों चुल्ला चंगा जिस बिच ताम पकाई दा, और साडे कोलों कुत्ता चंगा जेड़ा रात जगाई दा। हमसे तो कुत्ता अच्छा है, सारी रात मालिक के घर के गिर चक्कर काटता रहता है, और खा करके जो सो गया और उस मालिक को नहीं याद रखता है, वो तो उससे भी बदतर है। आगे पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ताला का तारुफ कराया कि अगर तुम्हें अपने मालिक को पहचानना है, ये समझना है कि वो मालिक है, तो कैसे पहचानो, उसकी निशानियां देखो। अलम तरा इला रब्बिका कैफा मतज़िल, क्या तूने देखा नहीं रात को अपने रब की तरफ किस तरह उसने साये को फैलाया, पूरी रात एक चादर तान दी उसने साये की, अंधेरा ही अंधेरा, फिर क्या हुआ, कई वलौशा अलजालहु साकिना, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उस साये को खड़ा कर देता, खड़ा रहने देता, फिर रात ही रहती, फिर सुबह ही ना होती। अगर अल्लाह ना चाहे सुबह कहां से हो, सूरज का निजाम ही खत्म हो जाए तो रही बात नहीं जी, सुबह हो जाती ना, सूरज तुलू हो जाता। कहा ये जो सूरज तुलू होता है ये तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को इसके ऊपर एक निशानी बनाया कि सूरज के तुलू होने से तुम्हें पता चलता है कि रात गई और सुबह आई। सुम्मा कबदनाहु इलैना कबज़ा यसीरा, और फिर तुम देखते हो जब सूरज तुलू होता है तो हम उस साये को, छा को अपनी तरफ खींचते हैं। जब सूरज तुलू होता है तो पूरी हर चीज का साया इधर लंबा होता है, सूरज ऊपर आता है तो साया सिकुड़ने लग जाता है। वहुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लिबासा, वो है तुम्हारा मालिक जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को लिबासन, पर्दे की चीज, जो काम दिन में नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए पर्दे की जरूरत है उसके लिए रात बनाई। वन नौम सुबाता, और उसने नींद को आराम की चीज बनाया। अल्लाहु अकबर, आदमी कितना थका हुआ हो, बस दो तीन घंटे सोता है सारी थकावट खत्म, अगर अल्लाह ताला नींद ना दे, आदमी कहीं से ला सकता है, हैं? काफी साल पहले एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे नींद नहीं आती है, तो मैंने कहा दवाई वगैरह नहीं खाते, कहने लगे खा खा के थक गया,
نیند نہیں آتی ہے. اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ چاہے انجیکشن لگاؤں کچھ بھی کروں نیند نہیں آتی ہے. میں نے کہا نہیں جی, اچھی اچھی دوائیاں ہیں, نیند تو آئی جاتی ہے. کہنے لگے ایک میرا جاننے والا ڈاکٹر ہے, اس نے کہا, میں نے اس کو کہا, اس نے کہا اچھا میں تجھے سلا کر دکھاتا ہوں. کہتا اس نے کوئی سخت انجیکشن لگایا تو نیند تو آئی نہیں, تو میں ساری رات بلب کو دیکھتا رہا تو صبح اٹھا تو چہرہ اتنا سوج گیا تھا. آئے آئے, یہ احساس کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے, ان سے پوچھو جن کو نہیں آتی ہے. مجھے اس کا احساس ہوا, تھوڑا سا جھٹکا ایک لگا, ایسا لگا کہ خدا کی نعمتوں میں نیند سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور اس نے دن کو تمہارے لیے چلنے پھرنے اور پھیلنے کا وقت بنایا کہ کماؤ اس میں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, وہ ہے تمہارا مالک جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرن, خوشخبری دینے کے لیے, بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت کے آگے آگے. ہوا چلتی ہے, پیغام دیتی ہے, بارش آنے والی ہے, گھبراؤ مت. کیا ہے اس کی شان. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور اس نے اتارا اوپر سے تمہارے لیے پانی, طہورن پاک پر پانی, صاف پانی. دیکھیے سب سمجھتے ہیں یہ پانی اوپر میں, بارش کہاں سے برستی ہے, بادلوں سے. بادلوں میں پانی کہاں سے آتا ہے, سمندر سے. اور سمندر میں جو پانی گیا وہ کہاں کا ہے, پوری دنیا کا گند. جتنا یہ گند ہے, بارش برستی ہے, سب اکٹھا ہو کر جاتا ہے سمندر میں. وہاں گندا ہے, نمکین, مگر جب وہاں سے اوپر اٹھتا ہے اور برسنے لگتا ہے تو کیسا صاف اور شفاف. اور آ رہا ہے آگے کہ جب تک برستا رہتا ہے تب تک اس میں تھوڑا تھوڑا نمک کا اثر رہتا ہے, لیکن جب زمین میں اتار دیتا ہے اللہ, اس کو کل پڑھا نا ہم نے کہ ہم اس کو زمین میں بسا دیتے ہیں, پھر جو وہاں سے نکلتا ہے تو کیسا نکلتا ہے, مما معین, فلٹر کیا ہوا میٹھا پانی, کوئی اثر ہی نہیں اس کے اوپر. اللہ اکبر. کیوں برساتے ہیں ہم پانی, لنحیی بھی بلدتم میتا, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مرے ہوئی زمین کو زندہ کریں. ابھی ہمارے ہیں جون جولائی میں, دیکھو زمین کیسے مرے گی جموں میں, اور اس کے بعد اگست سے زندہ ہونی شروع ہوگی اچانک. وَنُسْقِيَهُ, اور تاکہ یہ پانی پلائیں ہم, مِمَّا خَلَقْنَا, ان اس کائنات کو جس کو ہم نے پیدا کیا, اَنْعَامًا, جانوروں کو بھی پلائیں, وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, انسان کی جمع بھی ہو سکتی ہے, انسیون کی جمع بھی, اور بہت سارے انسانوں کو بھی. دیکھو بھائی علماء کرام, چونکہ دوسرے لوگ زیادہ ہیں اس لیے ان کی رعایت میں میں وہ لغوی تحقیق وغیرہ نہیں کر رہا ہوں, کوئی بات ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور ہم نے گھما پھرا کر کے اس کو بیان کیا قرآن کو, بَيْنَهُمْ, تمہار ان کے درمیان, تاکہ یہ سمجھیں. کس طرح گھما گھما کر مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہوں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا, نہیں مانا. اگر کوئی بات مانی تو یہ مانی, إِلَّا كُفُورًا, کہ ہم ناشکری کریں گے رب کے ناشکرے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اور دیکھو ہم نے اپنے نبی, اپنے پیغمبر, اپنے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا کیے, اگر ہم چاہتے تو ہر ایک ایک بستی میں ایک ایک نبی بھیج سکتے تھے, لیکن ہم نے ایسا نہیں چاہا, ایک سینٹرل پلیس میں ایک نبی بھیج دیے. اب پوری دنیا کے لیے وہ کافی ہیں, ان کو یہ کتاب مل گئی. فلا تطیع الکافرین, اے میرے نبی تو آپ ان نافرمانوں کی بات نہیں ماننا. نافرمانوں کی بات کیا تھی, وہ جو مکہ کے کافر کہتے تھے کیا وہ سمجھوتا کر لیتے, کیا سمجھوتا کہتے تھے, آئے گا دوسرے مقام پر کہ ایک سال ہم آپ کے مالک کو مان لیں گے, ایک سال آپ ہماری مورتیوں کو سجدہ کر لو کیا عجیب بات ہے. پھر انہوں آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ بڑوں بڑوں کو مان لو, ہم آپ کے مالک کو مان لیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا کہ چلو آپ کم سے کم سلوٹ مار لیا کرو یہاں سے گزرتے ہوئے. آپ نے فرمایا اس مالک کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, تو کسی دوسرے کو کیسے مانا جا سکے. اسی کو کہا فلا تطع الکافرین, ان نافرمانوں کی بات نہیں ماننا. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, اور اس قرآن کو ٹکا کر سنا ان کو, اس کے ذریعے سے ان سے زبردست جہاد کر. یہ ہے جہاد کہ ان کو قرآن سناؤ, ان کو سمجھاؤ قرآن کے ذریعے سے, بتاؤ یہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, یہ بیچ میں قرآن کی تھوڑی سی بات آئی, پھر خدا کی قدرت کی نشانیاں فرمایا, کبھی اس پر غور کرو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ,
وہ ہے تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے دو سمندر بہائے. عربی میں بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں, دریا کو بھی. تو یوں کہیے کہ جس نے تمہارے لیے دو سمندر چلائے, دریا بھی اور سمندر بھی دونوں. ھذا عذب فرات, یہ تو بالکل میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے. فرات کون, بولو نا, دریا. وھذا ملح اجاج, اور یہ بالکل کڑوا اور کھارا. یہ کھارا اور کڑوا کون ہے, سمندر. حالانکہ سمندر میں پانی کہاں سے آیا, دریاؤں سے گیا. اور دریاؤں میں پانی کہاں سے آیا, سمندر سے. ایک سرکل چل رہا ہے. آج لوگ کہنے لگے جی بادل برستے ہیں اور یہ ہوتا ہے. 1450 سال پہلے اگر اللہ نہ بتاتا تو ہم کو یہ پتا چلتا؟ آج بھی کتنے سادے لوگ کہتے ہیں برف کیسے برستی ہے, کہتے ہیں اللہ میں اوپر سے تھوکتا ہے. جہالت کی بھی کوئی حد ہے؟ تو 1450 سال پہلے فرمایا یہ سرکل چل رہا ہے, دریاؤں سے پانی سمندر میں جاتا ہے مگر وہاں کڑوا اور کھارا, اور سمندر سے اوپر اٹھتا ہے, اوپر سے نیچے برستا ہے. جب تک برستا ہے تب تک اس میں تھوڑا کھارا پن رہتا ہے, اور جب زمین کے اندر اترتا ہے پھر فلٹر کر کے ہم نکالتے ہیں اور عذبن فرات, میٹھا پیاس کو جانے والا بنا دیتے ہیں. اور یہ نظام ایسا کیا کیوں؟ وجعل بینہما برزخا, اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی. سمندر کی وجہ سے دریا کا پانی کڑوا نہیں ہوتا, اور دریا کی وجہ سے سمندر کا کبھی میٹھا نہیں ہوتا. ساری دنیا کے دریا سمندر میں جا رہے ہیں مگر سمندر کبھی میٹھا ہوتا ہے؟ اور سمندر کا پانی اوپر جا رہا اور برس رہا, اس کی وجہ سے کبھی یہ کھارا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا؟ فرمایا ان کے بیچ میں ایک نہ دکھائی دینے والا حجرم محجورا, نہ دکھائی دینے والا پردہ ہے, تم کو نظر نہیں آتا ہے. لیکن ایسا کیا کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں اگر میٹھا پانی ہوگا تو میٹھا پانی اگر کہیں کھڑا رہے تو ایسی بدبو ہوگی, تو ساری دنیا کو پھر اسرائیل کے آنے کی ضرورت نہیں, سب اس کی بدبو سے ہی مر جائیں گے. اس کے مقابلے میں اگر دریا کا پانی کھارا ہو جائے تو پیئیں گے کیا؟ چشموں کا پانی کھارا ہو گیا تو پیئیں گے کیا؟ کھیتی کس سے سیراب کریں گے؟ شاید ہم نے نمکین پانی نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے اس سے کپڑے بھی نہیں دھلتے, وہ صابن کے اس میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو پینے کی تو بات ہی کیا ہے. اور کھیتی میں اگر لگا دے تو لگی ہوئی کھیتی وہیں برباد ہو جاتی ہے. اوہ یہ ہے تمہارا مالک, کیوں نہیں اس کو سمجھتے ہو؟ بہو الذی خلق من الماء بشرا, اور وہ ہے تمہارا مالک جس نے بنایا من الماء پانی سے, قطرے ناپاک سے, بشرن انسان, فجعل نسبا وسحرا, پھر بنا دیا انسان کو خاندان والا اور سسرال والا. وکان ربک قدیرا, اور تیرا رب بڑی طاقت والا ہے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے کچھ سسرالی رشتے دار اور ننہالی رشتے دار اور ددہالی رشتے دار یوں پھیلتے رہتے ہیں, مگر اس قدرت والے رب کو چھوڑ کر ویعبدون, یہ پوجا کرتے ہیں, من دون اللہ, اس کے سوا, ما, ان چیزوں کی, لا ينفعهم, جو ان کو کوئی نفع نہیں دے سکتے. ساری زندگی پوجتے رہو کچھ ملتا نہیں, ولا يضرهم, اور نہ پوجیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا, اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرن, پشت موڑنے والا. اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہی نہیں, نافرمان, کبھی خیال ہی نہیں کرتا میں اپنے رب کو پہچانوں. یہ ظہیر کے معنی پیٹ موڑنے والا, اور دوسرا اس کا معنی ہے مدد کرنے والا. اور ہے نافرمان انسان, کافر انسان, اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کی مدد کرنے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, یہ انسان ہے نافرمان, مگر آپ زبردستی نہیں کسی کو منوا سکتے. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اللہ مبشرن, مگر خوشخبری دینے والا بنا کر, اگر مانو گے تو یہ ملے گا. ونذیرن, اور ڈرانے والا بنا کر کے, نہیں مانو گے تو یہ سزا ہوگی. قل ما اسألکم علیہ من اجر, آپ فرمائیے میں اتنی بات تمہیں بیان کر رہا ہوں, قرآن سنا رہا ہوں, لا اسألکم علیہ من اجر, اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں. الا من شاء, مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو تم میں سے چاہے, اَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, وہ اپنے مالک تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ بنا لے, اپنے مالک تک پہنچنے والا راستہ اختیار کر لے. میں یہ چاہتا ہوں تم اپنے فائدے کے لیے اپنے مالک تک پہنچنے کا راستہ پکڑ لو, اس کے اوپر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس راستے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل, بھروسہ کر
अलल हय, उस जात के ऊपर जो हमेशा से जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, अल्लज़ी ला यमूत, जो कभी मरेगा नहीं, और जो पहले नहीं थे और बाद में पैदा हुए वो कैसे खुदा हो सकते? जब तक वो नहीं थे बाबा, जब तक वो माता नहीं थी, तो उससे पहले कायनात को कौन चला रहा था? और जब वो मर गए तो अब कौन चला सकता है? वसब्बिह बिहम्दिही, और तू तस्बीह कर उसके नाम की हम्द के साथ। वकफा बिही बिज़ुनूबी इबादिही खबीरा, और तेरा रब काफी है अपने बंदों के गुनाहों की पूरी पूरी खबर रखने के लिए। कफा काफी है, बिही वो अल्लाह, ये बी जायद है, ही फाइल है इसमें, कफा अल्लाह, अल्लाह काफी है बिज़ुनूबी इबादी, अपने बंदों के गुनाहों की खबीरन खबर रखने के एतबार से। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, वो मालिक जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके बीच में है उसको, फी सित्तति अय्याम, और ये सारे का सारा 6 दिनों में कायनात बन गई। अब ये पूरी कायनात 6 दिन में कैसे बनी थी, ये जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, जाहिर है कि हम उस वक्त में मौजूद नहीं थे, हमको नहीं मालूम, और अगर मालूम भी हो जाए तो हमें उसका कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन कम से कम आज इंसान तरक्की करते करते हमारी साइंस वहां तक पहुंच गई कि हम समझने लगे कि कायनात नहीं थी फिर बनी थी। सुमस्तवा अल अर्श, यानी कोई ऐसा वक्त था कि ये जमीन और आसमान नहीं थे, और फिर एक वक्त आया तो ये बने, मगर बनने के लिए अजीब फलसफा कि एक गोला था, धमाका हुआ, हर एक चीज फिट होती गई अपनी अपनी जगह। यार हमारे यहां तो आज तक जितने धमाके हुए उनसे बर्बादियां तो हुई, इंसानों के छीतड़े बिखरे, कोई फिट तो नहीं हुआ, ये कैसी बेहुदा बात है। अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया, उस मालिक ने ये सब कुछ बनाया। अल्लाहु अकबर। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श पर तजल्ली फरमाई, इस कायनात के निजाम को चलाया। तो कोई कहे कि मैंने तो आज तक खुदा के बारे में कि हमारा मालिक ऐसा ही बातें तो सुनी नहीं, का पूछा किससे था, हैं? किसी डॉक्टर के बारे में आप जाकर स्वीपरों से पूछें, जी डॉक्टरी किसको कहते हैं, वो क्या बताएंगे? इंजीनियर के बारे में पागलों से पूछें, इंजीनियर क्या होता है, क्या बताएंगे? अर रहमान, वो बड़ा मेहरबान है, बहुत ही ज्यादा दयालु, बहुत रहम करने वाला। फस अल बिही खबीरा, अगर उसके बारे में पूछना है तो किसी खबर रखने वाले से पूछो, जिसको उसका तारुफ हो उससे पूछो, जो उसके नेक बंदे हैं, जिनको उसकी मालूमात है, उनसे पूछो हमारा मालिक कौन है। वइज़ा क़ीला लहुम उस्जुदू लिर्रहमान, और जब इनसे कहा जाता है कि रहमान के सामने झुक जाओ, आलू अमर रहमान, कहते रहमान क्या चीज है, हम तो नहीं जानते रहमान क्या है। अर रहमान अल्लाह का नाम, लेकिन अरब के लोग अल्लाह तो कहते थे हर जगह, जैसे हमारे मुल्क वाले ईश्वर कहते हैं मगर अल्लाह नहीं समझते, दूसरा कोई गार्ड कहता मगर अल्लाह नहीं समझता, कोई वाहिगुरु कहता मगर अल्लाह नहीं समझता। अरब के लोग अल्लाह कहते थे मगर रहमान नहीं समझते थे कि रहमान क्या है, तो कहने लगे मर रहमान, रहमान क्या है। अनस्जुदु लिमा तअमुरुना, क्या हम सजदा करते रहेंगे जिसका तुम हमें हुक्म दोगे। वज़ादहुम नुफूरा, और इस बात से तो उनमें और ज्यादा नफरत हो गई। और दूसरी जगह पर बताया गया कि लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके अच्छे अच्छे नाम है, ये उसी के नाम है, नाम कुछ भी लो मगर मानो कि वो एक मालिक है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। कौन है वो मालिक? तबारकल्लज़ी, वो है बरकत वाला तुम्हारा मालिक, तुम्हारा अल्लाह। अल्लज़ी जअला फिस्समाई बुरूजा, जिसने आसमान के अंदर बुर्ज बनाए, ये बड़े बड़े सितारे बनाए, ये गैलेक्सीज बनाई, ये कहकशां बनाई। वजअला फीहा, और बनाया उसने आसमान में सिराजन, एक चमक, एक चराग बनाया, सूरज बनाया। वह कमरम मुनीरा, और चमकता हुआ चांद बनाया, वो है अल्लाह। वहु अल्लज़ी जअलल लैल, और वो है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया। वन नहारा, और दिन को बनाया। खिलफतन, एक दूसरे का नायब, मतलब रात जाती है दिन आता है, दिन आता है रात जाती है, यूं एक सिलसिला चलता है, इसको कहा खिलफा। लेकिन यहां रुक कर एक बात समझें, हर आदमी अपने जहन के एतवार से बात समझता है। अब आसान बात है कि रात और दिन एक दूसरे के लिए खिलफा हैं, खिलफा के माने जानशीन, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, उनसे पूछा खिलफा का क्या माना है। बुखारी में है कि खिलफा का मतलब यह है
کہ جس طرح تمہیں رات کو اپنے مالک کو یاد کرنا تھا جو جو ذکر کرنے تھے اگر رات کو نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو دن میں کر لو اور جو دن میں یاد کرنا تھا جس طرح اگر نہیں کر پائے تو رات میں یاد کر لو یہ مطلب ہے خلفا کہ ایک کے بعد دوسرا آ گیا کہ چلو تمہیں دن میں موقع نہیں ملا رات کو کر لو رات کو موقع نہیں ملتا دن میں یاد کر لو اس کو لمن اراد ان یذکر اس آدمی کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے وہ اراد شکورا اور وہ جو ارادہ کرتا ہے تاکہ وہ شکر کرے اپنے رب کا جو شکر کرنا چاہتا ہے نافرمان نہیں بننا چاہتا یہ ساری چیزیں اس کو اپنے مالک کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں بڑی اہم بات یہاں تعارف کرایا کہ ہمارا مالک کون ہے اللہ کون ہے اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو جو بندے اس کو مان جاتے ہیں جو اللہ والے بندے بنیں گے اس مالک کے ماننے والے ہوں گے وہ کیسے بندے ہوں گے دیکھو نا آج لا مذہبی لوگ ہیں ادھرمی لوگ انہوں نے مذہب کا دھرم کا کیا کنسپٹ بنایا وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے تاکہ لوگوں کو متنفر کریں کہ یہ جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں یہ تو ایسے گندے اور ایسے بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں بس جو ملے اس کو مارو تو اللہ نے اپنے بندوں کا تعارف کرایا میرے بندے کیسے ہوتے ہیں کئی صفتیں پیش ہوئیں آخر میں جا کر کے آئے گا کہ ان بندوں کو ملے گا کیا ہیں کون رحمان کے بندے عباد الرحمن اس بہت رحم کرنے والے کے بندے ہیں الذین یمشون علی الارض جو چلتے ہیں زمین کے اوپر ہونن عاجزی کے ساتھ ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو مانتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں عاجزی سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے بحث کرتے ہیں ڈبیٹ کرتے ہیں الجاہلون جاہل لوگ جاہل مانا تو وہی الٹریٹ جس کو کچھ آتا نہیں ہے لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں یہ کہ جان بوجھ کر کے خامخواہ بحث کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سارا کچھ اس مالک نے بنایا اکیلے تو سب کی باتیں اس تک کیسے پہنچیں گی تو کوئی آدمی بیچارہ کہیں پر ہے کوئی کہیں پر ہے کوئی کہیں پر ہے تو سب کی باتیں ایک وقت میں وہ کیسے سنے گا یہ اس طرح کی جاہل لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وہ ان سے الجھتے نہیں قالوا سلاما وہ کہتے ہیں بابا سلام سلام کا مطلب کہ ہمارا پیچھا چھوڑو ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے اور کون ہے رحمان کے بندے توجہ دوسری صفت الذین یبیتون لربہم وہ جو ساری رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدن سجدے میں ساری رات ان کی ماتھا زمین کے اوپر اس مالک کو یاد کرتے ہوئے گزر جاتی ہے وقیاما اور وہ اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے کبھی کھڑے ہو کر یاد کرنے لگے قیام میں رات گزر گئی کبھی سجدے میں اس کو یاد کیا سجدے میں گزر گئی والذین یقولون اور وہ جو کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اتنا کچھ کر کے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ بن گئے ہیں اور ہم بخشے بخشائیں ہم تو جنتی ہیں البتہ دوسرے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے نہیں نہیں ان کو اپنی فکر ہے اتنا کچھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں خدایا کچھ نہیں ہوا صرف عنا عذاب جہنم پھیر دے تو ہم سے جہنم کے عذاب کو وہ جو آخری عذاب ہے نرک کا عذاب اس سے ہم کو بچا ان عذابہا کان غراما بے شک اس جہنم کا عذاب ہے غرامن چپک جانے والا وہ بڑا خطرناک عذاب ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما وہ تو بہت بری ہے مستقرا رہنے کی جگہ بھی و مقاما اور تھوڑی دیر قیام کرنے کی جگہ بھی خدایا وہ بڑی بری جگہ اس سے ہمیں بچانا یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ اور سنو کون ہیں رحمان کے بندے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا اور وہ ہیں رحمان کے بندے جب وہ خرچہ کرتے ہیں تو لم یسرفوا حد سے زیادہ تصرف نہیں کرتے تجاوز نہیں کرتے مطلب ایسے اڑا دیا کچھ سینما ہال میں دیا کچھ ڈرامے میں خرچ کیا کچھ اور لگایا اور جیب خالی اب بھیک مانگنے چل پڑے نہیں نہیں ولم یقتروا اور کنجوسی نہیں کرتے کنجوسی جہاں دینا چاہیے تھا غریب کو یتیم کو مسکین کو بھوکے کو وہاں دیتی نہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ہوتا ہے اس کے بیچ میں قوامن سیدھا کیا ہوتا ہے ان کا خرچہ ہوتا ہے بیچ میں اعتدال پر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور وہ ہیں رحمان کے بندے لا يدعون جو پکارتے ہی نہیں ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی دوسرے کو معبود بنا کر حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر
किसी को ये समझें कि ये भी इबादत के लायक है, पूजा के लायक है, ऐसा कर ही नहीं सकते। वला यक्तुलून النفس التي حرم الله, और वो है रहमान के बंदे, ला यक्तुलून, जो कत्ल नहीं करते, मर्डर नहीं करते, النفس التي, ऐसी जान का, अल्लती हर्रम अल्लाह, जिसको अल्लाह ने मोहतरम बनाया है। और मैं पीछे बता चुका कि मोहतरम जाने कौन सी हैं, पांच आदमियों को छोड़कर बाकी किसी का भी कत्ल करना वो जुर्म है कि जिसके बाद जहन्नम के सिवा कोई सजा नहीं है। पांच आदमी कौन से? एक तो जिसने किसी का मर्डर किया हो, और दूसरे वो जो शादीशुदा होकर के गंदे काम कर रहा है, बदकारियां कर रहा है, और तीसरे वो जो डकैतियां डालता है और लोगों को कत्ल करता फिरता है, और चौथे वो जो खुदा को समझता है, सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया मगर ईमान के बावजूद फिर मुर्तद हो जाता है, और पांचवें नंबर पर वो जो गैर ईमान वाला नॉन मुस्लिम ऐलान जंग करके मैदान में आ जाए। जब तक जंग का ऐलान ना हो तब तक किसी का कत्ल जायज नहीं है। मैं बता चुका 68 लोगों को कत्ल किया, 68 लोगों को एक कबीले ने, एक बिरादरी ने, लेकिन उसके बदले में सहाबी ने दो को कत्ल कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जुर्माना अदा कराया, फरमाया वो बिरादरी दूसरी, वो दूसरी जाति है, ये दूसरी जात के लोग हैं, तो उनकी वजह से हम इनको सजा देंगे, ये नहीं हो सकता है। जिसके साथ ऐलान जंग है बस वही है। अल्लाहु अकबर, ये हैं रहमान के बंदे। वला यज़नूना, और जो बदकारी नहीं करते हैं अपनी घरवाली के सिवा किसी और की इज्जत पर हमला नहीं करते, नऊज़ बिल्ला, अपने घरवाली के सिवा किसी और से ताल्लुक नहीं जोड़ते हैं, गलत लफ्ज निकल गया था, वमन यफअल ज़ालिका यल्का असामा, और जो कोई बदकारी का, जिना का, गंदा काम करेगा, रेप कर रहा है, यल्का असामा, वो मुलाकात करेगा अपने गुनाह के नतीजे से। गुनाह का नतीजा क्या मिलेगा? युदाफ लहुल अज़ाब, उसके लिए डबल किया जाएगा अज़ाब को, यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन, वयख़लुद फ़ीही मुहाना, और हमेशा पड़ा रहेगा वो जहन्नम में, मुहानन, इस हाल में कि वो जलील होगा। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ऐसा बदकार हमेशा जहन्नम में रहेगा? फरमाया आगे पढ़ो ना, अगर सच्ची तौबा कर लेगा, पक्की सच्ची माफ़ी मांग लेगा, अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, तो फिर उसका पिछला पाप माफ हो जाएगा। इल्ला मन ताबा, मगर वो जिसने तौबा कर ली, वह आमना, और अपने मालिक को मान लिया, वामिला सालिहन, अमलन सालिहन, और उसके बाद उसने फिर अच्छे काम करके दिखाया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु, तो ये हैं वो लोग जिनको बदले में देगा अल्लाह, सय्यातिहिम, उनके गुनाहों के बदले में देगा हसनात, नेकियां देगा उनके बदले में। नेकियां देने के तीन माना है और तीनों मतलूब हैं। एक ये कि जब आदमी सच्ची तौबा करता है तो फिर गंदे काम करने के बजाय उसको अच्छे काम करने का दिल करता है। जहां पहले वो शराबे पीता था, जुए खेलता था, लोगों की बहू बेटियों को छेड़ता था, अब वो उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए परेशान रहता है, तो उसका मिजाज ही अल्लाह ताला बदल देता है। और दूसरे नंबर बदल देता है मतलब सोच सोच करके कि मुझसे कौन कौन से गुनाह हुए, उनके बदले में नेकियां करता है। और तीसरा माना बहुत जबरदस्त है कि जो इस तरह सच्चे तौर पर तौबा कर लेगा, कयामत के दिन जब अपने मालिक की अदालत में पहुंचेगा तो मालिकुल मुल्क उसको याद कराएगा, तूने ये जुर्म किए, तो बंदा घबरा जाएगा कि इसका मतलब आप जहन्नम का नंबर है। अल्लाह फरमाएगा जितने तूने जुर्म किए, चूंकि तूने सच्ची तौबा की थी, हर एक जुर्म के बदले में तेरे खाते में एक अच्छा काम लिखा जाएगा, नेकी लिखी जाएगी, जा जन्नत में। और बंदा फिर क्या करेगा कि गुनाहों के बदले में नेकियां मिलने लगी तो वो फिर कुछ और जुर्मों का इकरार करेगा जो लिस्ट में अभी उसको सुनाए नहीं गए थे। वो कहेगा मैंने एक जुर्म और किया था, उसके भी बदले में दे दीजिए नेकी। क्यों ऐसा हुआ? फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वमन वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि अल्लाह जालिम नहीं, बहुत माफ करने वाला, रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। वह मनताब, और जो तोबा करता, वामिला सालिहन, और नेक अमल करता, फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो बेशक वो अल्लाह की तरफ झुक जाता है पूरे तौर पर। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और वो है रहमान के बंदे। ये बीच बीच में दो बातें आई, जुमला मोतरजा, बाकी उनकी सिफतें अभी चल रही हैं। कौन है अल्लाह के बंदे? ला यशहदून अज़्ज़ूर, जो कभी झूठ नहीं बोलते, झूठी गवाही नहीं देते, बल्कि ज़ूर का एक माना
कि जहां झूठ बोलने की मजलिस है उस मजलिस में ही नहीं आते, उस महफिल में नहीं आते। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा, और जब वो गुजरते हैं किसी बेहुदा बात के पास से, मर्रू किरामा, गुजर जाते हैं इज्जत के साथ। कहीं लोग शराबें पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और कोई गंदे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दामन बचाकर चुपके से गुजर जाते हैं, उनके साथ उलझते नहीं हैं। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और वो हैं रहमान के बंदे जब उनको उनके मालिक अल्लाह की आयतें याद दिलाई जाती हैं, ये कुरान सुनाया जाता है, इस पर गौर करते हैं, समझते हैं इसको। वलम युखिरू अलैहा सुम्मियाना, और नहीं गिर पड़ते हैं बहरे और अंधे हो करके। तवज्जो, जो लोग कुरान पढ़ें समझे ना, बस ऐसे रट लगा ली, याद हो गया, अब कुरान पढ़ा गया, गिरे सजदे में पहुंचे, क्यों सजदा कर रहे हैं, कहते पता कुछ नहीं भाई सजदा तिलावत भी आया, क्यों आया, कहते मालूम मालूम कुछ नहीं है। इनको भी अल्लाह ने कहा कि ये रहमान के बंदों में शामिल होने के लायक नहीं है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। वल्लदीन यकूलूना, और वो जो कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब, इतना कुछ करने के बावजूद कभी अपने आप को ये नहीं समझते कि हम बख्शे बख्शाए हैं। एक मरता एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया यूनिवर्सिटी से, कहने लगी ये जो कुछ लड़के होते हैं ना मौली साहब, नमाजें पढ़ते हैं, ये अपने आप को कुछ बड़ा समझने लगते हैं और सोचते हैं हम तो जन्नती हैं और ये बाकी सारे बड़े गंदे लोग हैं। मैंने कहा हमने तो अभी तक यही सुना कि जो नमाजें पढ़ता है वही समझता है कि मैं सबसे बुरा हूँ, वो तो सबसे वो सोचता है कि भाई पता नहीं मैं किस बात में फंस जाऊँ, मेरी किस बात के ऊपर पकड़ हो जाए। और जो दूसरे लोग हैं, नहीं मालूम मरने से पहले मालिक उनको तौबा की तौफीक दे दे तो सारे काम छोड़कर पक्के सच्चे ईमान वाले बन जाएं और सीधे उसके यहाँ बख्शे बख्शाए पहुँचें। ये आपको कौन से लोग मिले हैं मुझे मालूम नहीं है। ऐसा आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस दो नमाजें पढ़ी हैं, रुमाल सी डाल ली मेरी तरह, तो लोगों को दिखाते हैं और अपने दिमाग में भी कि हम तो काफ़ी पहुँचे हुए लोग हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं, रहमान के बंदे ये नहीं होते हैं। अपनी अपनी निभा मोहम्मद, छड़ परवा यारा, और अपनी फिक्र करो यार। रब्बना हबलाना, ये सब कुछ करके भी वो दुआ करते हैं, हबलाना, ऐ हमारे रब तू अता कर हमको, मिन अजवाजिना, हमारी बीवियों में, वज़ुर्रियातिना, और हमारी औलाद में भी, कुर्रता आयुन, वो बातें जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाएं, ऐसे काम करने की तौफीक दे हमारी घरवालियों को भी, हमारे बच्चों को भी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और वो दुआ करते हैं ऐ मालिक तू हमको परहेजगार लोगों का सरबराह बना। मैं फैमिली, अपनी फैमिली का मैं बड़ा आदमी हूँ, तो मेरी फैमिली ऐसी हो कि सब नेक हूँ, तो मुझे लोग कहें कि ये नेकों का सरबराह है। कौन है भाई, कहते सरपंच साहब हूँ। कौन है, अब फलाने पिंड का सरपंच है, वो चोरा वाला पिंड सरपंच भी बेचारा बदनाम। अब अगर पता चले कि फलां गांव बड़ा अच्छा है तो ये भी फख्र से कहता है तुम्हें पता है किसी ने, मैं फलाने पिंड का सरपंच हाँ, उसे तो लोग किन्ने नेक हैं, खुशी होती है उसको भी। अल्लाह से ये मांगते हैं, उलाइका युजज़ौनल गुरफा, ये हैं रहमान के बंदे, इनको वो रहमान देगा, बदले में देगा, अल गुरफा, जन्नत के वो बुलंद मंजिलें, बिमा सबरू, उनके डट जाने की वजह से। वही यलक्कून फीहा तहियतन व सलामा, और वो मुलाकात करेंगे जन्नत में सिर्फ तहिया, सलामती की दुआ, व सलामा, और सलाम, यानी जन्नत में जाएंगे मगर वहाँ आपस में कोई नफरत नहीं, गाली गलौज नहीं, आपस में मिलेंगे तो तब भी सलाम, फरिश्ते मिले तब भी सलाम, रहमान की तरफ से भी सलाम। खालिदीन फीहा, वो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे, क्योंकि फाइनल जजमेंट हो गई, अब हमेशा। हसनत मुस्तकर व मुकामा, कितनी अच्छी है मुस्तकरन ठहरने की ये जगह, मुकामन रहने की जगह। कुल मा याबाऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आप कह दीजिए और सारी दुनिया के नाफरमानों और ख़ास तौर से मक्का वालों, ऐ मक्का वालों, अगर तुम अपने मालिक को ना याद करो और उसके सामने ना दुआ करो, उसका कुछ नहीं जाता है, उस मालिक का क्या जाता है उससे, उसका कौन सा नुकसान है। कुल मा, आप कह दीजिए, मा याबाऊ बिकुम, कोई परवाह नहीं करता है वो तुम्हारी, रब्बी, मेरा रब, लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारा उसको पुकारना न हो, तुम उस मालिक से न मांगो, दर दर की ठोकरें खाते रहो, उससे उस मालिक का कोई नुकसान नहीं। फकद कज़्ज़बतुम,
तुमने तो इस कुरान को झूठा कह दिया। फसौफ यकून लिजामा, अब अन करीब वो अजाब आएगा जो चिपक जाएगा, फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहां खत्म हुई कि ये रहमान का, उस मालिक का कलाम है। एक सूरत पूरी हुई, एक बयान पूरा हुआ, नया बयान शुरू हुआ। और इस बयान का जो मरकजी मजमून है वो दो बातें हैं। एक तो ये साबित किया जाएगा कि जो कुछ मक्का वाले अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे, हर दौर के नबियों को, नेक बंदों को उनके लोगों ने वैसे ही कहा, वैसे ही सलूक किया। दूसरी बात ये बताई जाएगी कि हर दौर में इस तरह के नेक बंदे आए, एक जमाने तक ये नाफरमान लोग उनको सताते रहे, मगर फिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है और ये बंदे गालिब आकर के रहते हैं। दो बातें। तीसरी बात जो कुरान यहाँ बयान करेगा, ये दो बातें इशारों में हैं, कुरान ने बयान नहीं की। तीसरी बात ये बताई जाएगी कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अब ये बात यहीं समझें, ये कैसे मालूम होगा? देखिए, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आएगा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से कम भी हैं 2000 साल पुराने हैं। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, जो कई हज़ार साल पुराने। इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, जो कम से कम 3000 साल पुराने। इसमें कौम आद का, कौम हूद का, कौम समूद का, कौम सालेह का, कौम लूत का किस्सा आ रहा है, जो बहुत पुरानी कौमें हैं। मगर कुरान उनको कैसे बयान कर रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे अल्लाह के बताने से, मगर किस तरह बताएंगे? जिस तरह सब कुछ आंखों से देख रहे हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहीं पढ़ना सीखा था किसी से? पढ़ना नहीं सीखा। आपने किसी यहूदी से मुलाकात की? किसी यहूदी आलिम से मिले हूँ आप? नहीं। आपने किसी ईसाई आलिम से मुलाकात की? नहीं। आपने किसी पुरानी किताब को पढ़ा? नहीं। आपने जब ये नबूवत का ऐलान किया, उससे पहले कभी शायरी की? कोई शेर कहा, कोई कविता लिखी, कोई नज़म लिखी, कोई गज़ल लिखी? कुछ नहीं किया आज तक। तो फिर आप कैसे बयान कर रहे हैं? इसका मतलब आप नहीं बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह सुना रहा है। और जब अल्लाह कह रहा है तो ये फिर उस मालिक का कलाम है, ये आपका अपना बनाया हुआ नहीं है। ये नतीजा आएगा सबसे आखिरी रुकू में। मैंने पहले कह दी तीन बातें ताकि आपकी नजर रहे कि बात है क्या, चल क्या रही है। और इसमें तज़किरा आएगा कई अंबियाए किराम का, किस किस का? मूसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, हूद अलैहिस्सलाम का, सालेह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का। और मक्की सूरतों में इस लिहाज से यह सबसे बड़ी सूरत है कि इसकी आयतें सबसे ज्यादा हैं। मीअतानी व सबउन व इशरून, 227 आयतें हैं। इसके मुकाबले में आयतों को छोड़ दें तो इस तरह अगर कलिमात को देखें तो सूरह आराफ सबसे बड़ी है, लेकिन आयतों के एतबार से सबसे बड़ी यही है। और ये भी बहुत अहम बात है कि ये इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है। इसमें एक आयत आगे आ रही है जिससे ये नतीजा निकाला गया कि ये सूरत आपके नबूवत के ऐलान करने के 4 साल बाद नाजिल हो चुकी थी। वहाँ एक लफ्ज़ आएगा जिससे पता चलेगा कि 4 साल के बाद ये नाजिल हो चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीमीम, हुरूफ मुकत्तआत हैं, तफसील गुजर गई। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये साफ साफ किताब की आयतें हैं, दो टोक बात करने वाली किताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कितनी फिक्र है इंसानों को सुधारने की। लअल्ला का, ऐसा लगता है कि आप बाखियुन, अपने आप को मार देंगे। नफ्सा का, अपने आप को। अल्ला यकूनु मुमिनीन, के लोग क्यों नहीं होते हैं इस कुरान को मानने वाले, आपको मानने वाले, अपने मालिक को मानने वाले। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, मेरा हाल कैसा है? जैसे एक आदमी ने जंगल में आग जलाई, अचानक परवाने आकर उस पर जलने लग गए। अब वो परवानों को बचाता है, उसमें उसके हाथ भी जल रहे हैं, कपड़े भी जल रहे हैं, मगर वो बचा रहा है। फरमाया, मैं इसी तरह इनकी कमर पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं कि तुम मत जाओ जहन्नम में, मत अपने मालिक की नाफरमानी करो, मगर लोग हैं तो मान करके नहीं देते। आप अंदाजा लगाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान किया नबूवत का और लोगों को समझाना शुरू किया।
छह साल गुजर गए हैं, छठा साल है, छह साल में अबू जहल कितनी मुखालफत की उसने, कई मरतबा उसने आपके चेहरे पर थूकने की कोशिश की, कई मरतबा उसने ये कोशिश की कि लोगों को बरगलाया कि आपके गले में चादर डाल करके उसको ऐंठा गया, और एक मरतबा तो उसने लोगों को बरगलाया, आप सजदे में थे, सर आपका माथा आपका ज़मीन पर है, उसने कहा कि फलां मोहल्ले में ऊंट मरा है, उसकी ओजड़ी पड़ी हुई है, उसकी ओजड़ी अंदर का वो गंध कोई हिम्मत वाला है जो उठाकर लाए और इनके सर पर रखे, और एक बदबख्त उठा और उसने लाकर के सर पर रख भी दिया, और आप दब गए, उठ नहीं पा रहे थे, घर से दौड़ करके आपकी बेटी आई और उन्होंने धक्का दे करके उसको आपके ऊपर से उतारा, ये हाल तो अबू जहल का है, लेकिन छह साल के बाद भी वो हदीस है ना कि आप दुआ कर रहे हैं रात को, ए अल्लाह इसको सीधा रास्ता दिखा दे, ए अल्लाह मक्का में दो लोग हैं, एक उमर है एक अबू जहल है, दोनों में से एक को हिदायत दे दे, अगर दोनों के मुकद्दर में नहीं तो एक को तो हिदायत दे दे। इसी को कुरान ने कहा लअल्लका बाखिउन नफ्सका, ए नबी ऐसा लगता है आप अपने आप को मार दोगे, अल्लाह यकूनु मोमिनीन, इस वजह से कि वो ईमान क्यों नहीं कबूल करते हैं। और वो क्या कहते थे कि कोई ऐसा निशानी दिखाओ जिसको देखकर हम मान लें, क्या निशानी, आप हमारे सामने आसमान पर चढ़ो, ऊपर से एक चिट्ठी लेकर आओ हमारे सामने, है ना, गुजर चुका तब हम मानेंगे, और बहुत सारी निशानियां। जवाब दिया आपके दिल में कभी कभी ख्याल आता था अल्लाह करे इस तरह की निशानी आ जाए और लोग मान जाएं, लेकिन अल्लाह इस तरह की निशानियां दिखा करके मनवाना नहीं चाहता था, क्यों, वो तो फिर जबरी ईमान हो जाएगा, फिर तो कोई माने बगैर रहेगा ही नहीं, यहां मानना है समझ करके, पढ़ो समझो सोचो फिर अपनी अकल से पूछो तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद फैसला करो। इस बात को यूं बयान किया इन निशानु नज़्ज़िल अलैहिम, अगर हम चाहें तो उतार दें अलैहिम इन पर मिन समा आसमान से आयतन कोई ऐसी निशानी ऐसा मौजज़ा ज़ल्लत आनाकुहुम लहा खादईन जिनके सामने इनकी गर्दनें झुकी रह जाएं, मतलब अभी आसमान से अंगारे बरसने लग जाएं क्यों नहीं झुकेंगे इनकी गर्दनें, अभी आसमान से बिजलियां गिरने लग जाएं क्यों नहीं झुकेंगे इनकी गर्दनें, हम ऐसा कर सकते थे मगर करेंगे नहीं। वमा यातीहिम मिन ज़िक्र मिन अर्रहमान मुहदस, इनका हाल क्या है, नहीं आता है इनके पास मिन अर्रहमान बहुत बड़े मेहरबान की तरफ से ज़िक्र मुहदस ताज़ा नसीहत इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, मगर ये उससे मुंह मोड़ते, जब भी कोई ताज़ा नसीहत आती है अल्लाह की तरफ से फिर कहते नहीं मानेंगे, फ़कद कज़्ज़बू यकीनन इन्होंने झूठा कह दिया मेरे नबी को भी मेरे कुरान को भी, फसयातीहिम तो अन करीब आएंगी अब अम्बाऊ खबरें मा कानू बिही यस्तहज़िऊन उस अजाब की जिसकी ये मजाक उड़ाते हैं। आप फरमाते थे अल्लाह का अजाब आएगा, मजाक उड़ाते थे, अच्छा कैसा आएगा किधर से आएगा, फरमाया अब आने वाला है देखते जो कैसे आएगा, फिर आया बदर में अवलम यरौ अन इलल अर्द, अगर तुम्हें निशानी देखनी है अपने मालिक को पहचानने के लिए अवलम यरौ तो क्या नहीं देखा उन्होंने इलल अर्द जमीन की तरफ कम अम्बतना कितने उगाए हमने फीहा उसमें मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम बेहतरीन जोड़े, ये 1400 साल पहले कहा गया कि जमीन में से जो कुछ उगता है वो सब का सब जोड़ेदार होता है, उसमें मेल और फीमेल मुजक्कर और मुअन्नस होते हैं, 1400 साल पहले फरमाया इस पर गौर करो इसी से अपने मालिक को पहचान लो, तो आप कहेंगे फिर बांटनी वालों में से तो कोई अपने मालिक को न मानने वाला होना ही नहीं चाहिए, पौधों पर मेहनत करने वाले जालोजी पर मेहनत करने वाले हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले, बात क्या है जो भी लोग इस तरह के हैं बदकिस्मती ऐसी है उस तरफ ध्यान कभी जाने ही नहीं देते कि ये सारा काम किया किसने, बस वो कहेंगे नेचर है इसी तरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसी तरह जोड़े बन रहे हैं खुद ब खुद धमाका हुआ चीज़ें बन गईं, इन नफीजा लिकल आया इसमें है निशानी, अगर उस मालिक की निशानी देखकर पहचानना चाहते हो, व मकान अक्सर मुमिनीन लेकिन अक्सर इनमें से ईमान लाने वाले नहीं, ये मा मुशाबा भी लैसा है कान जायद है, काल सीबवई सीबवे ने कहा व इन रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, ये मानते नहीं मगर तेरा रब कैसा है, लहुवल अज़ीज़ वो गालिब है अगर चाहे तो एक आन में एक सेकंड में सबको खत्म कर दे,
मगर करेगा नहीं। अर्रहीम, बहुत मेहरबान है। एक और बात भी इसका, तेरा रब गालिब है, अगर चाहे तो जो चीजें वो मांग रहे हैं वो दिखा सकता है, मगर दिखाएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि जब दिखाएगा तो ये तब भी नहीं मानेंगे, और जब नहीं मानेंगे तो फिर अजाब आ जाएगा। वो रहीम है, अभी अजाब इन पर लाना नहीं चाहता है। और दिखाने के बाद ईमान नहीं लाएंगे, ये पीछे गुजर चुका कि देखो फिरौन ने मौजजा देखा, ईमान नहीं लाया। कौमे सालह ने, वो कौमे समूद ने मौजजा देखा मगर ईमान नहीं लाया। और ये एक और बात भी है, जब कोई ऐसी बात कहे ना कि ये तू करतब दिखा, जब तू ये करतब दिखाएगा मैं मानूंगा, जब इस तरह की बात आदमी कहता है तो अल्लाह मानने की तौफीक ही छीन लेता है, फिर मानता ही नहीं है। जब वो दिखा देगा कहेगा अच्छा अच्छा लगता है, कुछ जादूगर लगता है तू, हैं लगता है कि तू को बड़ा तांत्रिक है, हैं तूने कुछ तांत्रिक सीख लिया है। फरमाया अगर मौजजा देखना है, ये सारा मौजजा है। अब यहां से आगे नबियों का तज़किरा कि कौमों ने मौजजे का मुतालबा किया और मौजजे दिखाए गए मगर वो ईमान नहीं लाए, और एक जमाने तक अल्लाह ने उनको ढील दी, और उसके बाद अल्लाह की तरफ से अजाब आया। और इस पर भी ऐसा ही होने वाला है, इस कौम पर भी, मक्का वालों पर भी। अब जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, चूंकि ये किस्से आपने पीछे बार बार पढ़े हैं। वह इज़नादा रब्बुक, और याद करो जब तेरे रब ने आवाज लगाई मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो तूर पर गए थे, अनीतिल कौम अज़्ज़ालिमीन, ए मूसा अलैहिस्सलाम अन के ईतिल कौम अज़्ज़ालिमीन, आप आ जाइए जालिम लोगों के पास। कौन है ये? कौम फिरौन, यानी फिरौन की कौम के पास। अला यत्तकून, क्या ये डरते नहीं अपने मालिक से? फिरौन मिस्र का, इजिप्ट का बादशाह, जो अपने आप को खुदा कहता था। قال ربي اني اخاف ان يكذبون, موسى علیہ السلام نے عرض کی میں اے میرے رب, اني اخاف, بے شک میں ڈرتا ہوں, ان يكذبوني, کہ وہ مجھ کو جھوٹا کہہ دیں گے, چونکہ میں نے ان کے ایک بندے کا مجھ سے مرڈر ہو گیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جاتے مجھ پر چڑھائی کر دیں. ويضيق صدري, اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ, ولا ينطلق لساني, اور چلتی نہیں ہے میری زبان, تیز تیز زبان نہیں چلتی, پیچھے گزر گیا ان کی زبان میں लुकनत थी, ये दूर कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया हो गई दूर, जैसा कि सूरह ताहा में पढ़ा ने, फअरसिल इला हारून, ए परवरदिगार मेरे भाई हजरत हारून की तरफ भी वही भेज दीजिए, उनको भी मेरे साथ कर दीजिए। वलहुम अलैया ज़म्बुन फअखाफु अन यक्तुलून, और उनके लिए अलैया मुझ पर ज़म्बुन एक गुनाह है, फअखाफु अन यक्तुलून, तो मैं डरता हूं कि वो कहीं मुझको कत्ल ही ना कर दें, और मैं तेरा पैगाम उनको ना पहुंचा सकूं, मेरे मैसेज पहुंचाने से पहले ही वो मुझे मार दें। फरमाया कोई नहीं कतल कर सकता तुझे, जिसको रब रखे उसको कौन चखे। फिरौन अपने आप को खुदा कहता है, मगर अल्लाह ने फरमाया आला कल्ला, फरमाया नहीं नहीं हरगिज नहीं, कौन कतल कर सकता है तुझे। फजहबा, दोनों जाओ, भी आयातीना, हमारी निशानियां लेकर, इन्ना माकुम मुस्तमिउन, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, मुस्तमिउना, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, जाओ जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन कत्ल कर सकता है। और फिर यही हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ कितना लंबा अरसा रहे, मगर फिरौन कभी उनको कत्ल करने की सोच भी नहीं सका, कत्ल करने की, हालांकि दुश्मन था, बच्चों को कत्ल करता था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को डरता था, समझता था कि अगर इन पर हाथ उठाया तो मेरी भी खैर, लोगों को सुनाने के लिए कहता था, हैं क्या कहता था, जरूनी, मुझे छोड़ो अख्तल मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूंगा, हालांकि किसी ने उसको पकड़ा हुआ था। ये बुजदिल आदमी जो उससे कुछ होता नहीं, मैं छोड़ो यार, मैं नहीं छोड़ना इन, आप समझ लो कि वो कुछ कर नहीं सकता है। और उनका फातिया, जाओ तुम दोनों, फजहबा भी आयातिना, जाओ मेरी निशानियां लेकर, इन्नी इन्ना माकुम मुस्तमिउन, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं, फातिया फिरौन, आ जाओ दोनों फिरौन के पास, फकूला, तो दोनों कहो, इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन, बेशक हम दोनों के दोनों, कुल्लु वाहिद मिन्ना, रसूलु यानी वाहिद है ना, तो इन्ना जमा है तो क्या तर्जमा करें, कुल्लु वाहिद मिन्ना, हम दोनों रसूलु रब्बिल आलमीन, जहानों के परवरदिगार के भेजे हुए हैं। अन अरसिल माना बनी इसराइल, और कहा फिरौन को, पहले उसको तौहीद की दावत दी,
اور اس کے بعد پوری قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ کان ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرعون نے کہا یہ رب کیڑا ہوئے، جموں کی زبان میں رب کون ہے تیرا؟ کہا تجھے تو میں نے پالا ہے، کون ہے رب تیرا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کہاں پلے تھے؟ فرعون کے ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو یہ قتل کر دیتا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کو سمندر میں ڈالا، دریا میں اللہ کے حکم سے یہ بہتے بہتے فرعون کے ہاں پہنچے، تو اللہ نے جو فرعون قتل کرتا تھا اسی کے گھر میں ان کو پلوایا۔ تو وہ کہنے لگا الم نربک، اس نے کہا کیا میں نے ہم نے پالا نہیں تجھ کو فینا اپنے بیچ میں ولیدن، جبکہ تو بچہ تھا تجھے تو ہم نے پالا۔ ولبست فینا من عمرک سنین، اور تو ٹھہرا ہمارے بیچ میں من عمری کا اپنی عمر میں سے، سنین کئی سال تک۔ مشہور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے محل میں رہے۔ وفعلتا، اور تو نے کیا تھا، فعلتک اللتی فعلتا، اپنا وہ کرتوت۔ اگر اچھا کام آدمی کرے تو اس کو فعل، اور برا کرے تو فعل۔ فعلتک اللتی، تو نے وہ اپنا کرتوت کیا تھا، فعلتا، جو تو نے کیا۔ وانت من الکافرین، اور تو تھا ناشکروں میں سے۔ ہم نے تجھے پالا اور تو نے ہمارے ایک بندے کا قتل کر دیا۔ اب وہ تفصیل آگے آ رہی ہے 20ویں پارے میں کہ وہ قتل ہوا کیسے تھا۔ قال فعلتها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ مرڈر مجھ سے ہوا تھا۔ اذن، مگر تب تو، وانا من الضالین، میں تھا خطا کرنے والوں میں سے، غلطی ہوئی تھی، میں تو خالی اس کو سمجھا رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے تو، وہ جیسے مارا وہ مر گیا ادھر ہی، تو میں نے تو وہ تو غلطی ہو گئی تھی، لیکن تمہارے یہاں چونکہ کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی انصاف نہیں تھا، تو میں بھاگ گیا یہاں سے، چونکہ انصاف تھا ہی نہیں، عدالت تھی نہیں تمہارے یہاں۔ ففررت منکم، تو بھاگا میں تم سے، لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا، فوہب لی ربی، تو عطا کیا مجھ کو میرے رب نے حکمن، دانش مندی عطا کی، نبوت عطا کی، مجھے یہ حکمت والی باتیں سکھائیں۔ وجعلنی من المرسلین، اور میرے رب نے مجھ کو بنا دیا رسولوں میں سے، بھیجے ہوں میں سے۔ اور فرمایا کہ تو بڑا احسان جتاتا ہے مجھے کہ تو نے مجھے پالا۔ کیوں پالا؟ وہ تو سوچ رہا، اس لیے کہ تو بنی اسرائیل کو قتل کر رہا تھا، اور پوری میری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، اور پوری قوم کو غلام بنا کے ایک بچے کو پالا، اس کا احسان جتا رہا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَتٌ، اور وہ ایک احسان ہے، تَمُنُّهَا، جو تو جتاتا ہے عَلَيَّ، مجھ کو، اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اس وجہ سے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اگر تو وہ ظلم نہ کرتا، بنی اسرائیل کو غلام نہ بناتا، تو میں تیرے محل میں کس لیے آتا؟ کہ ہمارے گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی؟ قال فرعون، فرعون حقہ وقہ، اور کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ تو فرعون نے وہ پرانی بات دہرائی، اس نے کہا تو کہتا مجھے رب نے بھیجا، رب نے بھیجا، وما رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب ہے کون؟ اور یہ نہیں کہتا کون، کہتا ما، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے وہ رب؟ وہ اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ تم مجھے حقیقت سنا رب کا، کیسی ہے حقیقت اس کی، حالانکہ اس رب کو کوئی حقیقت کے طور پر پہچان سکتا ہے نہ، اس کی نشانیوں سے بندہ اس کو پہچان سکتا ہے، اس کی صفتوں کو سمجھ سکتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ آدمی جا کر دکھائے کہ یہ رب ہے، یہ کام کر رہا ہے، کیسے دکھا سکتا ہے؟ فرمایا اس کی صفتوں سے پہچان سکتے ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، یعنی وہ ماہیت کا سوال کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام صفات کا جواب دے رہے ہیں۔ قال رب السماوات، فرمایا رب کون ہے؟ جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، زمین کا رب ہے، وما بینہما، ان کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو مانو۔ اس نے دیکھا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرے، کہیں نہیں نہیں تو غلط کر رہا ہے، نہیں کر سکا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے ظالم۔ قال لمن حوله ولا تستمعون، اس نے اپنے ارد گرد کے جو حواری تھے، وزیر شزیر تھے، ان سے کہنے لگا، قال لمن حوله، ان سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، ارے تم سن نہیں رہے ہو، یہ کیا بات کر رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ خدا ہے کیسا وہ بتا، اور یہ آگے سے کہہ رہا ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام بھی چپ نہیں رہے، بولنے کا موقع نہیں دیا، فرمایا تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات کیا ہو رہی ہے، اب پھر موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کرتا ہے۔ قال ان رسولکم،
उसने कहा वो दरबारियों, ये जो तुम्हारा रसूल है ना, अल्लज़ी उरसिला इलैकुम, जिसको तुम्हारी तरफ भेजा गया है, लमजनून, ये तो दीवाना है, ये तो पक्का पागल है, अलियाज़ बिल्लाह, ये पीछा छुड़ा रहा है। हालांकि उसको मालूम है, अभी इससे अगली सूरत में आ रहा है कि फिरौन को पहले से ही पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, मैं झूठा हूं, मगर मानना नहीं चाहता था। काला रब्बुल मशरिक, मूसा अलैहिस्सलाम भी चुप नहीं रहे, फरमाया जो मशरिक का रब है, जो मगरिब का रब है, मतलब तू रब बना हुआ है और तेरी हुकूमत मिस्र में और उसके बाहर तुझे कोई पूछता भी नहीं, घास भी नहीं डालता है। रब वो होता है जो पूरी कायनात में रब होता है। और अजीब बात है, उस मालिक को छोड़ करके इंसान जिस जिस को मानता है, उसको एक इलाके में तो लोग जानते हैं, दूसरे में कोई जानता भी नहीं। मसलन अरब के लोग किनको मानते थे, किन बुतों की पूजा करते थे, हुबल की, लात की, उज्जा की, हमारे देश में उनको कोई जानता है? और जिनकी यहां पूजा हो रही है उनको कोई दूसरे देश में जानता है? हैरत तो अजीब है, आधे हिंदुस्तान में है पूजा हो रही है राम जी की, और आधे हिंदुस्तान में रावण की हो रही है। वो इनको जालिम कह रहे हैं, वो इनको जालिम कह रहे हैं। रब वो है जो सब जगह होता है, रब्बुल मशरिक, वो है रब। रब्बुल मशरिक, मशरिक का रब, वल मगरिबी, और मगरिब का रब, मा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के बीच में, उन सब का रब। इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम्हारे पास कोई अक्ल है तो बात को समझो। उसने कहा था ना ये दीवाना है, कहा दीवाने तुम हो। काला लैन इत्तखज़्त इलाहन गैरी, अब जब बातों में आदमी नाकाम हो जाता है तो ऐसा जालिम क्या कहता है, चुप, ज्यादा बातें करता है, तकरीर करता है। फिरौन ने भी वही किया। काला, उसने काला इन इत्तखज़्त इलाहन गैरी, कसम बखुदा, इत्तखज़्त इलाहन गैरी, अगर तुम मेरे सिवा किसी को खुदा मानेगा, लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन, मैं तुझे कैद में डाल दूंगा। देखो ये नहीं कहता तुझे कत्ल कर दूंगा, क्यों डरता है, कहा कैद में डाल दूंगा तुझे। काला अवलो जी तू कभी शे इम मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे ही डाल देगा जेल में। अवलो जी तू का, अगर मैं लाया हूं तेरे पास भी शे इम मुबीन, कोई साफ साफ निशानी लेकर आया, फिर भी तू जेल में डालेगा? उसने कहा अच्छा तेरे पास कोई निशानी है? कहा हाँ। तेरे पास कोई है ऐसी चीज जिससे मैं मानूं कि तू उसका मालिक का भेजा हुआ है? कहा है। कहा क्या चीज है? قال فات به ان كنت من الصادقين, उसने कहा पेश कर अगर तू सच्चू में से है। فالقى موسى عصاه, तो मूसा अलैहि सलाम ने वही लाठी नीचे रखी जो पकड़ी हुई थी। فإذا هي ثعبان مبين, तो अचानक वो एक अजदहा बन गई, बहुत बड़ा अजदहा। कभी सांप कहा कुरान ने, कभी जान कहा, कभी अजदहा कहा। क्यों? अगर उसके मोटापे को देखो तो अजदहा, और उसकी लंबाई को देखो तो सांप, लेकिन उसकी फुर्तूलेपन को देखो तो कहा जान, ऐसा सांप जो नजर भी ना आए इतनी तेजी से चलने वाला। वनजा यदहु, और अपनी बगल में हाथ रख करके बाहर खींचा। फैजा ही बैजा उलिन्नाजिरीन, तो अचानक वो देखने वालों के लिए चमकने लग गया सूरज की तरह। फिरौन परेशान, मैंने कहा था कि कोई निशानी दिखा, इसने तो दिखा दी, अब क्या करूं, लोगों को क्या जवाब दूं? तो उसने फौरन पैंतरा बदला। قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم, उसने देखा ये सीरियस मामला है, छोटा मामला नहीं है, ऐसे टलने वाली बात नहीं है, तो उसने अपने वजीरों को भड़काने की कोशिश की। قال للملأ حوله, कहा उसने उन सरदारों से जो उसके इर्द गिर्द बैठे थे, ان هذا لساحر عليم, ये तो कोई जादूगर है, अलीम जानने वाला, बड़ा माहिर जादूगर मालूम होता है। लाठी को सांप बना दिया, हाथ को इधर रखा, बाहर निकाला, वो चमकने लग गया। और पता है ये क्यों कर रहा है ऐसा सब कुछ? युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, वो चाहता है कि तुमको तुम्हारी जमीन से निकाले, भी सिहरी ही, अपने जादू के जरिए से। ये वो सियासी जुमला है, हालांकि उसको खतरा किसका है? अपनी कुर्सी का। लेकिन लोगों को कह रहा है मुझे कुर्सी का कोई मसला नहीं, मैं तो तुम्हारे गम में। हाय हाय, किसी ने, लीडर भी बड़े मजे, एक लीडर के लिए किसी ने कहा टाइटल अच्छा था इसलिए लोग हो गए साथी, मगर हम तो कौम के गम में सूख सूख के हो गए हाथी। अजीब हाल होता है, बस जनाब हम तो आपकी वजह से परेशान हैं। 5 साल तक तो आप नजर नहीं आए, 5 साल के बाद भीख मांगने आ गए और आप हमारे गम में सूख रहे थे। قال للملأ, उसने कहा ये तुमको तुम्हारी जमीन से निकालना चाहता है। فماذا تأمرون, तो बोलो तुम्हारा क्या मशवरा है? ये भी उसका बड़ा सियासी जुमला कि ताकि मैं अगर कोई भी काम कहूं करूं
तो इनसे मशवरा करके करूं, कल अगर उल्टा हो गया कहूंगा तुमने मशवरा दिया था, मैंने कौन सी गलती की। आलू अर्जी है, वो भी उसके चाचे थे, उन्होंने कहा अर्जी फिलहाल इसको टाल डील दे, वह अखा और इसके भाई को भी, वह बात फिल मदा इन हाशिरीन और शहरों में भेज दे हाशिरीन और डंडोरा पीटने वालों को, जमा करने वालों को, जो हर एक शहर में ऐलान करें या तू कभी कुल सहारिन अलीम, लेकर आए तेरे पास बड़े बड़े जादूगरों को, माहिर जादूगरों को, मुकाबला हो जाएगा, ये हार जाएगा। फजुम या सहरतों, तो जादूगर जमा किए गए ली मिकाती यौम मालूम, एक ऐसे मुतायन वक्त के लिए जो मुतायन दिन का वक्त था, गुजर चुका पीछे, मैदान भी मुतायन था, दिन मुतायन था उनके मेले का दिन, और वक्त कौन सा था, चाश्त का, माशाल्लाह याद है चाश्त का, समझ गए ना, ये कोई 8 और 9 बजे के बीच का वक्त। वकील लिन्नासी हल अंतुम मुज्तमिउन, और कहा गया लोगों से क्या तुम भी इकट्ठे होने वाले हो, वह तमाशा देखने वालों आओगे, किस लिए, लाला नानत तभी उस सहारा था, शायद कि हम जादूगरों के पीछे चलेंगे, इन कानू हमल गालिबीन, अगर वो हो गए गालिब आने वाले, मतलब क्या है भाई, सारे लोग आ जाओ, किस लिए, ताकि हम जादूगरों का हौसला बढ़ाएंगे। आज खेल के मैदान में देखते हैं ना, जिसके हिमायती ज्यादा होते हैं ना, वाह 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 वाह, तो खिलाड़ियों का भी दिल बढ़ता है, तो हम अपने जादूगरों का हौसला बढ़ाएंगे, और जब वो गालिब आएंगे तो हम तालियां बजाते हुए पीछे पीछे चलेंगे, जीत गया भाई जीत गया। फलम्मा जाअ सहरतु, तो जब आगे जादूगर मुंह फिरते, सबसे पहले वो बात की जिससे पता चल गया कि ये कोई बुलंद किरदार के लोग, नबी का सबसे पहले क्या जुमला होता है, मैं अपने काम पर किसी से मजदूरी नहीं मांगता। और जादूगरों ने आते ही क्या कहा फिरौन को, आइन्ना लाना, वो कालू ले फिरौन, कहा उन्होंने फिरौन से, आइन्ना लाना ला अजरा, सर कुछ मजदूरी भी मिलेगी, आइन्ना, क्या बेशक हमारे लिए है कुछ मजदूरी, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आने वाले हो गए हैं, जम्मू के जमान में सुक्के रगड़े भाई, कुछ मिलेगा भी, कहा मुंह फिटते दिर फिटते मुंह, कोई बात तो करनी थी ढंग की, इतना बड़ा मसला बना हुआ है, शाही दरबार में पहुंचे हो तो यहां तुम्हें मिलेगा नहीं, कैसे समझते हो। आला नाम, कहा मजदूरी तो मिलेगी मिलेगी, और सुनो, वइन्नकुम इज़ल मिनल मुकर्रबीन, और तब तो तुम बेशक मेरे करीबी लोगों में शामिल हो जाओगे, तुम्हें बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, वजीर बनाऊंगा, ये मुश्किल घड़ी आ गई है। और जब किसी को ओहदे का लालच दिया जाए ना, तो मौलाना अलीमिया रहमतुल्लाह ने इसी मौके पर लिखा है, फिर ये वो जाल है जिसमें, जिस जाल से कोई मछली बचती नहीं है। एक आदमी को आप कहें 1 करोड़ रुपया, हो सकता है ये झूठ बोलना है, एक झूठ बोलते 1 करोड़ रुपया मिलेगा, हो सकता है ठोकर मार दे, लेकिन अगर आप उसको को जनाब काबीना में ले लेंगे, असेंबली में फ्री में आप, वो कहेगा कोई बात नहीं, 1 करोड़ का तो कोई नहीं, असेंबली में पहुंचूंगा ना, तुम तो उस वक्त में मेरे करीबी हो जाओगे। पहुंच गए मैदान में, قال لهم موسى, उनसे कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्कु पेश करो, डालो, मा अंतुम मुल्कून, जो तुम डालने वाले हो, فألقوا حبالهم, तो डाला उन्होंने अपनी रस्सियों को, وعصيهم, अपनी लाठियों को, हर एक जादूगर अपने साथ लाठी और रस्सी लेकर आ गया था, और डालते ही उन्होंने ऐलान नारा लगाया, قالوا, और उन्होंने कहा, بعزت فرعون, फिरौन की इज्जत की कसम, यानी हमारी जुबान में क्या कहेंगे, फिरौन की जय, इन्ना लनहनुल गालिबून, बेशक हम ही गालिब आ गए, जीत गए भाई जीत गए। लाठियां डाली, उन्होंने अपने जादू से ऐसा किया कि वो लाठियां सब की सब सांप बन गई, रस्सियां सांप बन गई, कुछ सांप कुछ सपनियां पूरे मैदान में दौड़ रहे हैं, हैं लोगों ने नहरे लगाए, और कमजोर दिल लोगों की चीखें निकली कि कहीं हमें काट न लें। फल का मुसाह, तो जब ये सारा तमाशा उन्होंने दिखाया, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब अपनी लाठी डालिए, वो हम पीछे पड़ चुके, मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे कि इन्होंने लाठियां डाली बने सांप, मैं भी लाठी डालूंगा तो बनेगा सांप, तो लोगों को पता कैसे चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। फरमाया डालो तो सही, फैदा ही तलकफ माया फिकून, तो अचानक वो लाठी निगलने लग गई, माया फिकून, जो कुछ उन्होंने झूठ गढ़ा था, लाठी ने मैदान में जो एक सांस लिया, जितनी सांप सपनियां सब उसके पेट में, पूरा मैदान खाली। फौल्किया सहरतु साजिदीन,
تو جادو کرنے والے سجدے میں ڈال دیے گئے, ان کے اندر کی آواز نے ان کو مجبور کیا کہ یہ جادو نہیں ہے, جھک گئے. قالو, انہوں نے کہا, آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے رب پر, رب موسیٰ و ہارون, اس رب کو مان لیا جس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں. قال آمنتم, فرعون نے کہا, کیا تم ایمان لے آئے اس پر, قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا. یہ اس کے سٹھیانے کا, جب آدمی پریشان ہو نا تو اس وقت میں اس کو ذہن میں نہیں آتا کہ میں کہوں کیا, تو اس کو کچھ بات نہیں آنے لگی, تو کہنے لگا, اچھا چلو اگر تم نے ماننا ہی تھا تو کم سے کم مجھے پوچھ تو لیتے. اب ہوش سنبھالا, پھر کہتا ہے, انہو لکبیرکم, بے شک یہ تمہارا بڑا ہے, تمہارا گرو ہے, الذی علمکم السحر, جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, اور یہ سب تمہاری نورا کشتی تھی. نورا کشتی سمجھتے ہو نا, یہ محاورہ ہے, یہ دو پہلوان تھے نا کہ وہ آپس میں طے کر لیتے تھے. ایک دن کشتی کرتے تھے ہندوؤں کے محلے میں, تو جو اپنا نام اس کا کوئی غیر مسلم نام ہوگا تو وہ جیت جاتا تھا, وہاں سے انعام ملتا تھا, تو دونوں بانٹ لیتے تھے شام کو. اور دوسرے دن مسلمانوں کے محلے میں کشتی کرتے تھے تو نورا صاحب جیت جاتے تھے, یہاں سے انعام ملتا, دونوں بانٹ لیتے تھے. وہ سب مشورے سے, ان کو نہ ان سے کچھ لینا, ان سے نہ لینا, ان کو تو اپنے پیسے چاہیے. اس نے کہا, یہ نورا کشتی تھی, تم مشورہ کر کے آئے تھے. اب کہنے لگا, فلسوف تعلمون, اب تمہیں پتا چلے گا, لو قطعن ایدیکم, میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو, وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کو, من خلاف, مخالف جانب سے, ولو صلیبنکم, اور میں تم کو سولی پر چڑھاؤں گا, اجمعین, سب کے سب کو. فرعون کیا سوچ رہا تھا کہ دھمکی دوں گا, ڈر کے مارے کہیں گے سر بس غلطی ہوگی, آئندہ دوبارہ کبھی نہیں ایسا کریں گے. اس کو نہیں معلوم تاریخ انسانی میں, انسانی ہسٹری میں آج تک ایسا واقعہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کسی کو اپنے رب کی, اپنے مالک کی پہچان ہو گئی ہو اور اس کے بعد وہ ڈر کے مارے اپنے مالک کو چھوڑ گیا ہو, ایسا ہوا ہی نہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. قالوا لا ضیرا, انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں, انا الی ربنا منقلبون, بے شک ہم پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں, اگر تو نہیں سولی دے گا تب بھی تو مر جائیں گے, یہ کون سا مسئلہ ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا, ہم تو یہ تما کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے ہمارا مالک, خطایانا, جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, ان کنا اول المؤمنین, اس بات کے اوپر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بن جائیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لائیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں. تو ہمیں ڈراتا ہے, ان چیزوں سے کوئی ڈرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک مصر میں رہے, اور ان کو, اچھا اس نے پھر جادوگروں کو سولی دی کہ نہیں دی, اس کے بارے میں خاموش ہے تاریخ, قرآن نے بھی کوئی وضاحت نہیں کی. اکثر کہتے ہیں کہ وہ دھمکی دے رہا تھا, لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ دے دے سولی کیا کرے گا, اس کو ڈر ہو گیا کہ ان سب کو سولی دوں گا, اتنی بڑی تعداد کو, یہ تو پیچھے ہٹیں گے نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے قوم متاثر ہو جائے. تو اس نے کچھ موٹے موٹے بڑے بڑے جادوگروں کو سولی دی, پانچ دس چار کو, جب دیکھا سب کے سب دوڑ دوڑ کر کے پھندا کو اپنے گلے میں خود ڈال رہے ہیں, تو اس نے باقی کو چھوڑ دیا اور بس یہ کہہ کے ٹال دیا, دبا ہو جاؤ ورنہ ایک ایک کو ٹکڑے کر دوں گا. کرتا کیوں نہیں بھائی, یہی ہوتا ہے. ایک زمانے تک موسیٰ علیہ السلام رہے مصر میں, ایجپٹ میں, سمجھاتے رہے لوگوں کو مگر لوگ نہیں مانے. آخر اللہ کی طرف سے وحی آئی, وَأَوْحَيْنَا, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان اسری بھی عبادی, کہ لے جاؤ آپ میرے بندوں کو جو مان چکے ہیں, انکم متبعون, رات و رات لے جاؤ مگر سنو, تمہارا پیچھا کیا جائے گا, انکم, بے شک تم, متبعون, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کو لے کر نکلے, فرعونیوں کو پتا چلا, فرعون, ارسل فرعون, بھیجا فرعون نے, فی المدائن, شہروں میں, حاشرین, جمع کرنے والوں کو. اب کس کو جمع کر کے لائیں گے, فوج کو. یہ جو ریگولر آرمی کا کنسیپٹ ہے یہ بہت قریب کا کنسیپٹ ہے اور ہماری گھر سے آیا, 1450 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریگولر آرمی بنائی. اس سے پہلے ریگولر آرمی نہیں ہوتی تھی, بلکہ کیا ہوتا تھا, ہر آدمی سمجھو فوجی تھا, جب بھی ضرورت پیش آتی تھی دیش کو اعلان ہوتا تھا, سب لوگ آ جاتے تھے. تو اس نے کہا شہروں میں لوگوں کو بھیجا, بھائی تمام لشکری جمع ہو جاؤ,
اور کیا اعلان کر رہے تھے ان ہاؤلائی بے شک یہ بنی اسرائیل یہ لشرزمتن ایک چھوٹی سی جماعت ہے کیا پیدی کا شوربہ قلیلون تھوڑے سے ہیں شرزمتن چھوٹی سی جماعت قلیلون تھوڑے سے وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ لنا بے شک ہم کو لغائزون غصہ دلاتے ہیں بار بار کبھی کوئی پنگا کرتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے اب ان کی چٹنی بنا دو لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے جب بنی اسرائیل بھاگ ہی رہے تھے تو یہ بھاگنے کیوں نہیں دیتا تھا اس کو ڈر تھا کہ باہر جا کر کوئی حکومت بنائیں گے اور پلٹ کر کہیں میرے اوپر نہ آ جائیں اس نے کہا کام کر دو ان کا ختم کر دو ان کو اور تعداد بھی تھوڑی تھی بنی اسرائیل کی اس وقت میں بنی اسرائیل صرف 6 لاکھ تھے اور فرعون کی فوج کا جو پہلا دستہ تھا نا وہ دستہ بھی 7 لاکھ کا تھا اس کے پیچھے باقی کتنے تھے واللہ عالم وَإِنَّا لَجَمِيعٌ اور بے شک ہم سب کے سب حاضرون چست رہنے والے لوگ ہیں چوکنا چار کان والے چار کان نہیں ہوتے ہر وقت میں حالات پر نظر رکھتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ اب اس طرح یہ نکلے بنی اسرائیل کے پیچھے اللہ نے فرمایا نکلے نہیں اخرجناہم ہم نے ان کو نکالا یہ نکلنے والے تھے اپنے محلوں سے اپنے گھروں سے نکلیں اور جا کر کے سمندر میں ڈبکیاں لگائیں ان کا دل چاہتا تھا اخرجناہم ہم نے نکالا ان کو کہاں سے نکالا من جنات باغوں سے وعیون چشموں سے وکنوز اور بڑے بڑے خزانوں سے ومقام کریم اور بڑی بلند عزت کی بیٹھکوں میں سے جو ان کے وہ کابینہ لگتی تھی چوپال لگتے تھے کذالک اسی طرح ہوا واورثناها بنی اسرائیل اور یہ سب غرق ہوئے اور ان چیزوں کا وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو فاتبعوهم مشرقین تو فرعونیوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا مشرقین اس وقت میں جبکہ سورج طلوع ہو رہا تھا سورج نکل رہا تھا ہائے ہائے اب بنی اسرائیل جا رہے ہیں مصر سے بھاگ رہے ہیں اچانک پہنچے تو سامنے بحر قلزم قلزم نام کا سی اتنا بڑا سمندر سامنے سمندر پیچھے ایک دھواں اٹھتا ہوا دیکھا یہ کیا ہے کہا فرعون آ رہا ہے اتنا بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اوہ ہو ہو فلما ترى الجمعان جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو قال اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون بے شک ہم تو پکڑے گئے قال کلا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں کیسے پکڑے جائیں گے کیا وہ کہتے ہو ان معی ربی میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدینی وہ مجھے راستہ دکھائے گا اور بس یہ اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ دکھائے گا راستہ تو فوراً اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری ان کو یہ بات بتائی گئی فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ مارے آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر فَانْفَلَقَ تو سمندر پھٹا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ تو ہو گیا سمندر کا ایک ایک ٹکڑا ایک ادھر دو ٹکڑے كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ہر ٹکڑا ہو گیا جیسا کہ ایک بڑا ٹبا بڑا ٹیلا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور ہم نے وہیں پر قریب لایا پیچھے والوں کو فرعونی بھی آگے پیچھے سے دوڑتے ہوئے اور جب سارے فرعونی سمندر میں گھسے تو دونوں ٹکڑے آپس میں ملے اور سب کا بیڑا غرق ہوا اور ڈوبتے ہوئے فرعون نے بھی کہا اب تو میں مان گیا فرمایا اب ماننے سے کوئی فائدہ نہیں وَأَنْجَيْنَا مُوسَى اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وَمَن مَعَهُ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے اجمعین سب کے سب کو ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر بعد والوں کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ جو کہتے ہیں ہمیں کوئی کرتب دکھاؤ کوئی معجزہ دکھاؤ کوئی چمتکار دکھاؤ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اس میں ہے نشانی اس میں ہے چمتکار وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتا جو یہ مانگ رہے ہیں دکھا سکتا ہے غالب ہے مگر رحم کرنے والا ہے ابھی ان کو موقع دینا چاہتا ہے مہلت دینا چاہتا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا لیکن مکہ کے لوگ کس کی اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام ایک مالک کو ماننے والے مگر ان کی اولاد اتنی بگڑی کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 اور 5 بڑے بت بڑے خدا وہ الگ رکھے ہوئے تو ان کو فوراً فرمایا حضرت ابراہیم کا قصہ سنا وہ اپنے مالک کو مانتے تھے اکیلے مالک کو
وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, آپ تلاوت کیجئے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر, اذ قال لابیہ, یاد کرو جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا, وقومہ, اور اپنے قوم سے کہا, مَا تَعْبُدُونَ, کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما, انہوں نے کہا ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں, مورتیاں پوجتے ہیں. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, تو ہم اسی کے لیے دن بھر گھیرا جما کر بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ سنتے ہیں, یہ تو بتاؤ اب تم ان کے سامنے تالیاں بجا رہے ہو, شور مچا رہے ہو, مانگ رہے ہو, هل يسمعونكم, کیا یہ سنتے ہیں؟ اذ تدعون, جب تم ان کو بلاتے ہو, او ينفعونكم, یا یہ تم کو کوئی نفع دیتے ہیں جب تم پوجا کرتے ہو, او يضرون, یا نقصان دیتے ہیں اگر نہ پوجا کرو. قالوا بل وجدنا, انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں کچھ پتا نہیں, بل کچھ نہیں, بلکہ, بلکہ کا مطلب نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک, چکر کچھ ہو رہا ہے. کہا کیا چکر ہے؟ کہا ہمارا کلچر یہی ہے, ہمارے بڑے اسی طرح کرتے تھے, ہم اپنے کلچر کو کیسے چھوڑ دیں؟ بل وجدنا, بلکہ پایا ہم نے آبا انا, اپنے باپ دادا کو, کذالک یفعلون, اسی طرح کرتے ہوئے. قال افرائیتم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو غور تو کرو, ما تعبدون, ان ہستیوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, انتم, تم بھی, وآباؤکم, اور تمہارے باپ دادا بھی, الاقدمون, پہلے, جن کی باپ دادا عبادت کرتے رہے, پوجتے رہے, کبھی اس پر تم نے غور کیا؟ باقی دنیا کے کاموں میں باپ دادا کے طریقے کو چھوڑتے ہو, باپ کاشتکاری کرتا ہے, تم اس کے بعد دکان کرنے لگتے ہو, دوسرے کام کرتے ہو, کہ یہ باپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہم کام کریں, اس پر کیوں نہیں غور کیا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي, بے شک یہ سارے میرے دشمن ہیں, إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, سوائے اس اکیلے مالک کا, مالک کے جو سارے جہانوں کا رب ہے, الذی خلقنی, جس نے مجھ کو پیدا کیا, فہو یہدینی, وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا, والذی ہو یطعمنی, وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے, ویسقینی, وہ جو مجھ کو پلاتا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں, فہو یشفینی, تو وہی تو مجھ کو شفا دیتا ہے, والذی یمیتنی, اور وہ جو مجھے موت دے گا, ثم یحیینی, اور مر کے دوبارہ زندہ کرے گا. میں نے کہا مرنا اصل مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ مر کے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. والذی اطمع, اور وہ مالک میں طمع کرتا ہوں جس سے, ان یغفر لی, کہ وہ بخشے گا میرے لیے خطیئتی, میری لغزشیں, میری غلطیاں, یوم الدین, فیصلے کے دن, ججمنٹ کے دن, انصاف کے دن. رب ہب لی حکما, یہاں تک تو وہ قوم سے بات کر رہے تھے, اب انہوں نے تو سنی نہیں, تو یہاں سے وہ اللہ سے دعا کرنے لگ گئے, ربی, اے میرے رب, ہب, عطا فرما تو لی, مجھ کو, حکمن, دانش مندی, وہ طریقہ عطا فرما جس سے میں ان کو سمجھا سکوں. والحقنی بالصالحین, اور تو مجھے شامل فرما نیک لوگوں کے ساتھ, وجعل لی لسان صدق, اور بنا دے تو میرے لیے سچائی کی زبان, فی الآخرین, بعد والوں میں. مطلب اے خدا تو کوئی ایسا کام لے لے اپنی توحید کا کہ جب میں چلا جاؤں تو بعد والے لوگ بھی اس بات کو یاد کریں, اور تیرے دین کا کام ہوتا رہے, اور تیرا تعارف ہوتا رہے ان کو بھی. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور بنا تو مجھ کو, مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, نعمتوں والے باغ کے وارث بننے والوں میں سے, جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, اور آخری ججمنٹ کے بعد پھر وہ ایک باغ کے مالک بنیں گے, اس میں ان مجھے بھی شامل, مجھے شامل فرما. اور ظاہر ہے کہ وہ شامل نہیں, وہ تو بلند درجے کے لوگوں میں ہیں, لیکن ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی ہے. وَغْفِرْ لِي أَبِي, اور تم معاف کر دے میرے باپ کو, اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ, بے شک وہ تو بالکل ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہے, وہ راستے سے پھسل گیا ہے. وَلَا تُخْزِنِي, اور تم ذلیل رسوا نہیں کرنا مجھ کو, يَوْمَ يُبْعَثُونَ, جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا لوگوں کو, يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, جس دن نفع نہیں دے گا مال, ولا بنون, اور نہ بیٹے, نہ کام آئے گا مال اور نہ کام آئیں گے بیٹے, سب ساتھ چھوڑ دیں گے. الا من اتى الله, مگر وہ جو آئے گا اللہ کے پاس, بقلب سلیم, سلامتی والا دل لے کر, ایسا دل جس دل میں اس مالک کی محبت ہے اور دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے, اس مالک کی لگن ہے اور کسی چیز کی لگن نہیں ہے, بس وہ کامیاب ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور جنت کو قریب کیا جائے گا
پرہیزگاروں کے جو بچ بچ کے زندگی گزارتے تھے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا، للغاوین بھٹکنے والوں کے، راستے سے بھولنے والوں کے، راستے کو چھوڑنے والوں کے، وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جائے گا ان کو، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اب بتاؤ وہ کہاں ہیں جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، هَلْ يَنصُرُونَكُمْ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یہاں، او ينتصرون یا وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا پھر اوندھا منہ کر کے ڈالا جائے گا ان کو، فیہا اس میں، ہم ان کو بھی، والغابون اور سارے بھٹکنے والے گمراہ ہونے والوں کو، وجنود ابلیسا اور ابلیس کے شیطان کے سارے لشکریوں کو، اجمعون سب کے سب کو، قالوا وهم فیہا یختصمون اور جب یہ سارے کے سارے اس سزا سے دوچار ہوں گے اور جہنم میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے، وہم فیہا یختصمون اس حال میں کہ وہاں آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، کیا کہیں گے، تاللہ خدا کی قسم، ان کننا قسم بخدا ضرور بالضرور ہم تھے، فی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں، ہم تو پکے بھٹک گئے تھے، کب، اذ نسویکم برب العالمین جب ہم تم کو سارے جہانوں کے پالنے والے کے برابر سمجھتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون اور ہم کو نہیں بھٹکایا مگر جرم کرنے والوں نے، فما لنا من شافعین تو نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے، ولا صدیق حمیم اور نہیں ہے ہمارے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست، صدیق دوست، حمیم گرم جوش، فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین کاش کہ ہوتی ہمارے لیے کرتن یہاں سے واپسی، ممکن ہوتا یہاں سے واپس جاتے، فنکون من المؤمنین تو ہم بھی ہو جاتے ماننے والے، ان فی ذلک لایا اے مکہ والو اگر تمہیں کوئی نشانی چاہیے تو اس میں ہے نشانی، یہ نشانی ہے، ان فی ذلک لایا وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب ضرور بالضرور غالب بھی ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، یہ دو نبیوں کا تذکرہ آیا تفصیل سے اور ان کا تذکرہ آیا مگر ترتیب سے نہیں ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر پہلے آ گیا، ابراہیم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے مگر مناسبت کی وجہ سے ان کا ذکر بعد میں آیا، اب آگے جو نبیوں کا ذکر ہے وہ ترتیب سے ہے، پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اس طرح ذکر آئے گا، اور یہ بات میں بات بار بتا چکا کہ انہی نبیوں کا کیوں ذکر کیا قرآن میں، اس لیے کہ قرآن سب سے پہلے مکہ والوں کو، عرب والوں کو سنایا گیا، عرب والے انہی کو جانتے تھے، ان قوموں کی تاریخ سے واقف تھے، اگر ان کو ہندوستان کی قومیں بتائی جاتی ہیں وہی جوداڑو اور دڑپا اور دراوڑ تو وہ سمجھتے نہیں یہ کون قومیں ہیں، کہاں رہتی ہیں، کیا ان پر عذاب آیا تھا، اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اذ قال لهم اخوهم نوح یاد کرو جب کہا ان سے ان کذبت قوم نوح المرسلین اور جھوٹا سمجھا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی المرسلین بھیجے ہوں کو، پھر وہ بات آئی کہ انہوں نے تو صرف جھوٹا حضرت نوح کو کہا تو پھر کیوں کہا کہ سب کو جھوٹا کہا، اس لیے کہ ایک سچے کو جھوٹا کہنا گویا سب کو جھوٹا کہنا ہے، اذ قال لہم یاد کرو جب کہا تھا ان سے اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم بچتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور امانت دار ہوں، جو بات مجھے بتائی گئی میں اسی طرح اس کو پہنچا دیتا ہوں، فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر اور میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں، ہر نبی آ کر یہی کہتا ہے، ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میری مزدوری مگر سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے مالک کے ذمے، فتق اللہ ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری بات مانو، میری شخصی اطاعت کرو، قالوا انؤمن لك انہوں نے کہا اچھا ہم تیری وجہ سے ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون حالانکہ آپ کے ساتھ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی ہر دور میں رہا، جب بھی کوئی آدمی اچھا کام کرنے کے لیے آتا ہے تو انسانوں میں کمزور طبقہ اس کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ جو موٹے کھاتے پیتے لوگوں کا طبقہ ہے تو یہ کیا کہتا ہے، یہ گھٹیا لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کیا پارٹی ہے آپ کی، یہ کوئی پارٹی ہے قبول کرنے کے لائق، قال وما علمی
नूह अलैहि सलाम ने कहा मुझे नहीं मालूम, बिमा कानू यामलून, वो क्या काम किया करते थे। भाई कौन लोहारी का काम करता है, कौन बढ़ई का तरखान का काम करता है, कौन कुम्हार का काम करता है, उससे क्या गर्ज है, ये कोई गंदे काम है। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, नहीं है उनका हिसाब मगर मेरे रब के जिम्मे। लौ तशउरून, काश के तुम बात को समझो। ये कह रहे हैं आपके साथ कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, और मैं नहीं हूं ईमान वाले लोगों को धुतकारने वाला कि तुम्हारे कहने पर उनको मजलिस से निकाल दूं और तुम मोटे लोगों की वजह से उनको महरूम करूं। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं नहीं हूं मगर साफ साफ आगाह करने वाला, मेरा काम इतना है, मैं बता दूंगा, उसके बाद कोई माने ना माने। आलू, उन्होंने कहा ला इल्लम तंतही, कसम ब खुदा अगर तुम बाज नहीं आएगा ऐ नूह अलैहि सलाम, लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, तो तुम जरूर होगा पत्थर मारे हुए लोगों में से, तुझे फिर पत्थर मार मार के मार देंगे। قال رب ان قومي كذبون, नूह अलैहि सलाम ने अर्ज की है मेरे मालिक, इन قومي كذبون, मेरी कौम ने तो मुझको झूठा कह दिया। फافتح بيني, तो फैसला कर मेरे दरमियान, व बैनहुम, उनके दरमियान, फतहन, पूरा पूरा फैसला, व नजीनी, और मुझे बचा, व मम मईया, और जो मेरे साथ हैं, मिनल मुमिनीन, ईमान वालों में से, उनको बचा। लेकिन ये बात हजरत नूह अलैहि सलाम ने एक दिन में कह दी, पहले उनको तकरीर की, समझाया, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा चल इनका बेड़ा गर्क कर दे। नहीं नहीं, कितने अरसा रहे, 950 साल नाम लेते हुए भी वक्त लगता है। उसके बाद जब नहीं माने, फरमाया आप इनका काम कर दे मालिक, अब जब ये मानते ही नहीं। फान जैना हूं, तो हमने उनको भी बचाया, व मम्मा हूं, और जो उनके साथ थे उनको भी बचाया, फिल फुल्किल मशहून, एक भरी हुई कश्ती में, सुम्मा अगरकना बादुल बाकीन, फिर हमने गर्क कर दिया बादु, उनके बाद, अल बाकीन मुजाफले नहीं, बफूले भी, हरा गर्क कर दिया बाकी लोगों को बादु, उनके बाद, इन नफी जाली कल आया, इसमें है निशानी, अगर निशानी देखना चाहते हो। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम, और सुनो नूह अलैहि सलाम कहाँ आए थे, इराक में, नूह अलैहि सलाम इराक में, और फिर एक दूसरी कौम आई, अभी पीछे तारुफ गुजरा था, वही अहकाफ, अर्रुबुल खाली, सऊदी के ऊपर यमन से नीचे हजरामूत, इसके पास में शहर है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहरा है, सहरा समझते हैं ना, इसमें रेत ही रेत हो, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। अभी करीब के दौर में जब यासिर अरफात जिंदा था, तो वो यहाँ से गुजर रहा था तो धंस गया, जब आदमी के पांव रेत में धंस जाते हैं तो जिंदे खड़े खड़े आदमी को परिंदे खाने लग जाते हैं। ये सहरा इस तरह नहीं बना, कहा यह जरखेज था, इस कौम पर अजाब आया, फिर यह सहरा बन गया। कज़बत आदुन अल-मुरसलीन, कौम आद ने भी रसूलों को झूठा कहा। इज़ क़ाला लहुम अखूहुम, याद करो जब उनके भाई हजरत हूद ने कहा था उनसे, अला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो, क्या तुम्हें खौफ नहीं, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, फत्तकुल्लाह, डरो तुम अल्लाह से, वातीउनी, और मेरी बात मानो, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और नहीं मांगता हूँ मैं तुमसे इस पर कोई मजदूरी, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरी मजदूरी मगर सारे जहानों के रब पर। एक बात, कुरान पाक ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, एक बार तो हो गई थी, दोबारा क्यों बयान हुआ, ये बताने के लिए कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हर दौर के अंदर सबके सब एक ही बात बताते थे, उनमें कोई झगड़ा और इख्तलाफ नहीं था, एक ही पैगाम था, मगर बाद में लोगों ने इख्तलाफ किया। अतबनून बिकुल्ली रीइन आया, ये बड़ी मालदार कौम थी और इन्होंने दुनिया में गंदे काम को रिवाज दिया, क्या काम, कि अपनी यादगार के लिए कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दो, आज भी ये पांडुओं का किला है, ये कौरवों का है, ये मुगलों का है, हैं, ये शेर शाह सूरी का है, ये शाहजहां का ताजमहल है, उसको क्या करें, सर पे मारें, किस काम आया ताजमहल, किस काम के लिए, क्या मकसद है उसका, क्या फायदा। ये हर दौर के अंदर शैतान ने लोगों के दिमाग में डाला कि कुछ यादगारें बनाओ, ये यादगारें सबसे पहले इस कौम ने बनाई थी। अतबनून बिकुल्ली रीइन,
क्या तुम बनाते हो हर एक ऊंची जगह पर आयतन, एक निशानी, एक यादगार, ताबसून, बेकार काम करते हुए, वतत्तखिदून मसानिया, और बनाते हो तुम बड़ी बड़ी मसाने। ये मसाने क्या चीज है? आज मसाने कहते हैं फैक्ट्रियों को, कारखानों को। तो इसलिए तर्जमा करते हुए जरा आदमी सोचता है उस दौर में कारखाने कौन से थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि उस दौर में हर बड़ी इमारत को, हर बड़ी बिल्डिंग को, किसी भी कंस्ट्रक्शन की कोई भी चीज हो उसको मसना कहते थे। तो अब हम तर्जमा कर सकते हैं, वततखिदून मसानिया, और तुम बनाते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लअल्लकुम तखलुदून, जैसा कि तुमको हमेशा यहीं रहना है। इतने बड़े बड़े किले आज तो हर बंदा बना रहा है, एक एक कोठी, अक्सर बनाते बनाते मर जाते हैं, मगर बना कैसे रहे कि जैसे इसमें हमेशा रहना है। हाय हाय, वो दिन नहीं याद रखते जब वहां से निकलना भी है। हमारे एक जानने वाले ने कोठी बनाई, भूल गया, दरवाजे छोटे छोटे रखे, तो हमारा एक साथी था, उसके दिल में अल्लाह ने डाला, वो गया, उसने कहा तू मरना नहीं, वो जना तेरी मैयत कहां से निकालेंगे, वो तो कोई दरवाजा बना जहां से तुझे बाहर निकालेंगे, घुसना जानते हैं, निकलने को याद नहीं रखते हैं। अतबनून बिकुल्ली रीइन आया, क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक निशानी बनाते हो, ताबसून बेकार काम करते हुए, वतत्तखिज़ून मसानिया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, लअल्लकुम तखलुदून, शायद तुम्हें यहीं रहना है, वइज़ा बतश्तुम, और जब तुम पकड़ते हो किसी कौम को, चूंकि ताकतवर बहुत थे, बतश्तुम जब्बारीन, तो पकड़ लेते हो तुम बड़े तकब्बुर वाले बन करके, कुछ उम्र निकाल देते हो उसका, फत्तकुल्ला, डरो अल्लाह से, वातिउनी, और मेरी बात मानो, वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम, उस मालिक से डरो अल्लज़ी अमद्दकुम, जिसने तुम्हारी इमदाद की, तुमको अता की वो चीजें, तालमून, जिनको तुम जानते हो क्या क्या चीजें दी, अमद्दकुम, उसने तुमको दी इमदाद की तुम्हारी भी, अनआमिन, चौपाइयों के जरिए से, व बनीना, और बेटे दिए तुमको, व जन्नातिन, और बागात दिए तुमको, व उयून, और चश्मे दिए, इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं खौफ करता हूँ, डरता हूँ तुम्हारे बारे में, अजाब यौमिन अजीम, के किसी बड़े दिन का अजाब तुम पर आ जाए। इतनी बड़ी तकरीर उन्होंने सुनी, जवाब सुनो, कालू, उन्होंने कहा, सवाउन अलैना, हम पर बराबर है, अवाज़ता, चाहे आप हमको नसीहत करो, समझाओ, अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, या आप नसीहत करने वालों में से ना हो जाएं, ना समझाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम जो काम करते हैं वैसे करते रहेंगे, इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, नहीं है ये आपकी तकरीरें, इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, मगर पहले मखलूक के तरीके, खुलुक, पहले लोगों के तरीके, पहले भी ऐसी तकरीरें करते रहते थे, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और हमको कहीं अजाब नहीं दिया जाएगा, हमें अजाब देगा कौन, हमसे ज्यादा ताकतवर है, फकद्दबूहु, तो उन्होंने हजरत हूद को झूठा कह दिया अलैहि सलाम, फअहलकनाहुम, हमने इनको भी हलाक कर दिया। कैसे हलाक हुए थे? इन पर हवा मुसल्लत हुई और आठ दिन के बाद कोई एक जिंदा मौजूद नहीं था। इन फी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी, वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन वइन्न रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, इसके बाद एक और कौम आई, उसका भी मैंने पीछे तारुफ कराया, जो सऊदी के, मैंने कहा कि जब सऊदी से सीरिया की तरफ जाएंगे तो खैबर के बाद इनके खंडरात आज भी आते हैं। एक झूठा कहा कौम समूद ने रसूलों को, एक रसूल को झूठा कहा, हजरत सालेह को, समझो सबको कहा, इज काल लहुम, याद करो जब उनसे कहा अखूहुम, उनके भाई सालिहुन, हजरत सालेह ने, उस नबी ने जिनको उनकी तरफ भेजा गया था, उन्होंने क्या कहा, अला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, फत्तकुल्लाह वातीउन, डरो तुम अल्लाह से और मेरा कहना मानो, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं इस पर तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता, इन अज्री इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरी मजदूरी मगर जहानों के रब पर, अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुमको छोड़ दिया जाएगा इसी हालत में जिसमें तुम हो यहाँ, फी जन्नातिन, क्या सोचते हो हमेशा यहीं रहोगे, यही बाग, यही कोठियाँ, यही बंगले, यही कारें, यही सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, आज के एतबार से कह रहा हूँ कारें उस दौर में नहीं थी, फी जन्नातिन, बागों में रहोगे, वयूनिन, और चश्मे, वज़रूइन, और खेतियाँ, व नखलिन, और खजूर के वो बाग, तलुहा हजीम, जिनके गुच्छे बड़े नरम और नाजुक हैं, वतनहितून मिनल जिबाल, और तुम तराशते हो पहाड़ों में बुयूतन, घरों को, फारिहीन,
दो माना, मजे लेने के लिए, दूसरे माना अपनी महारत को जाहिर करने के लिए। पहाड़ों को खोद कर घर बनाते थे, पता चले हम कितने माहिर हैं। फत्तकुल्ला, डरो अल्लाह से, वातीउनी, मेरा कहना मानो। वला तुतीउ अमर अल मुसरिफीन, और उन मालदारों का हुक्म ना मानो, उनकी बात ना मानो। अल मुसरिफीन, जो हदों को क्रॉस कर गए हैं। अल्लज़ीन युफ्सिदूना फिल अर्ध, जो जमीन में फसाद मचाते हैं। वला युसलिहून, और जो जमीन में कोई अच्छा काम नहीं करते, इस्लाह नहीं करते। قالوا انما انت من المسحرين, उन्होंने कहा ओ सालेह अलैहिस्सलाम, तू तो जादू किया हुआ है, तुझ पर जादू हो गया है, ऐसी बातें बोलता है। अरे बाबर ऐश दुनिया कोश के आलम दीगर नेस्त, अरे मजे मारो, कौन वापस आया यहाँ। तो जो आदमी ये कहे कि मरने को भी याद रखो, का इस पर तो जादू हो गया है। मा अंत इल्ला बशर, तू नहीं है मगर एक इंसान ही तो है, मिसलुना, हमारे जैसा, खाता है पीता है, तू कैसे नबी हो सकता है। ये वही कल वाली बात कि रसूल कौन होता है जो न खाता हो, न पीता हो, न शादी करता हो और न कारोबार करता हो। अल्लाहु अकबर। फाति भी आयतिन, कोई निशानी पेश कर। इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तू सच्चा है, और तारीख में है कि उन्होंने मुतालबा किया कि तू एक ऊँटनी निकाल, सामने का ये पहाड़ फटना चाहिए, इससे एक ऊँटनी निकलनी चाहिए, और ऊँटनी निकलते ही बच्चा दे। हालांकि ऊँटनियाँ पत्थरों से निकलती हैं, लेकिन कैसा मुतालबा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने ऊँटनी निकाल दी। قال هذه ناقة, फरमाया ये ऊँटनी है, ये निशानी है, मानूं। कहने लगा अब तो पक्का नहीं मानेंगे, अब तो पक्का पता चल गया तू जादूगर है। क्या जादू किया तूने, पहाड़ में से ऊँटनी निकाली। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब इस ऊँटनी को छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो अल्लाह का अजाब तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऊँटनी थी कैसी, ऐसी ढील ढोल वाली थी कि अगर वो पानी पीने जाती थी तो पूरे चश्मे का पानी, चरने जाती थी तो पूरा घास चर जाती थी, और उसको देखकर जानवर बिदकते थे। फरमाया चलो मैं फैसला करता हूँ, एक दिन ऊँटनी चरेगी और पानी पिएगी, एक दिन तुम्हारे जानवर चरेंगे और पानी पिएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, हम सबके जानवर एक दिन और तेरी ऊँटनी एक दिन। कहा मेरी ऊँटनी तुम्हारी मांगी हुई है, मैंने नहीं ऊँटनी लाई, तो अब मानो इस बात को। लहा शिरबुन, उसके लिए पानी पीने की एक बारी है। वाला कुम शिरबु मालूम यौम मालूम, और तुम्हारे लिए एक मुतायन दिन के पानी पीने की बारी है। वला तमसूहा, और तुम इसको हाथ नहीं लगाना भी सू इन बुरी नीयत से। फया खुदा तुम आजाब यौम अजीम, तो पकड़ लेगा तुमको बड़े दिन का आजाब। फाकरूहा, उन्होंने मशवरा किया, ऊँटनी पर हमला किया, उसकी पिछली टांगे काट दी। फसबहू नादिमीन, हो गए फिर शर्मिंदा। कैसे शर्मिंदा हुए, फिर अजाब आया। अजाब भी क्या आया, फाखज़हुमुल अजाब, पकड़ा उनको अजाब ने, गुजर चुका। एक चीख आई आसमान से और जमीन में जलजला आया, एक सेकंड के बाद जैसा कोई बसा ही नहीं था। अल्लाह, इन फी ज़ालिकल आया, ओ मक्का वालों, इसमें है निशानी, ये है ना निशानी, इसको समझो। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन इन रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम, इसके बाद एक और कौम आई, बस दो नबियों का जिक्र रह गया। कज़्ज़बत कौम लूतिन अल-मुरसलीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी की कौम ने भी रसूलों को झूठा कहा। लूत अलैहिस्सलाम कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे, और कहाँ पर थे ये, जहाँ आज डेड सी है, यहीं पर वो रहते, पीछे गुजरा भी। इज़ क़ाल लहुम अखूहुम, याद करो जब कहा था उनसे उनके भाई हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने, अला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह वातीउन, अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, और मैं तुमसे इस पर कोई मजदूरी नहीं मांगता। इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरी मजदूरी मगर जहानों के रब के लिए, रब पर, मतलब अल्लाह मुझे इसका बदला देगा, अल्लाह मुझे सवाब देगा, मैं तुमसे इस पर कुछ मांगता नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। अतातून अज़्ज़ुकरान, क्या तुम मर्दों के पास आते हो, शहवतन, पोशीदा है, मिनल आलमीन, सारे जहानों में तुम ही ऐसे गंदे लोग हो। वतज़रूना, और छोड़ते हो, मा खलक लकुम, जो पैदा किया तुम्हारे लिए रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, मिन अज़्वाजिकुम, यानी तुम्हारी बीवियाँ। बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम तो हदों को क्रॉस करने वाले लोग हो। क़ालू लइन लम तन्तही,
उन्होंने कहा कसम बा खुदा अगर तू बाज नहीं आएगा या लूत, ए लूत अलैहिस्सलाम, तू यही तकरीरें करता रहेगा और हमारी बुराई करता रहेगा और हमें गंदे का लोग कहता रहेगा, लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, तो तू हो जाएगा निकाला हुआ, हम तुझे अपने बस्ती से निकाल देंगे। काला इन्नी लिअमलिकुम मिनल कालीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे काम को नापसंद करने वाला हूं, मैं नफरत करता हूं, क्या गंदा काम तुम कर रहे हो और फिर आगे से ये बातें कहते हो। रब्बी नजीनी, बस यहां पहुंचकर उन्होंने भी अल्लाह की तरफ तवज्जो की, ऐ मेरे रब बचा तू मुझको, वाहली और मेरे घर वालों को, मिम्मा या मलून, उस काम से जो ये करते हैं। ये मतलब नहीं कि कहीं हम ये गंदा काम ना करने लग जाएं, ये मतलब है कि इस काम की वजह से जो तेरा अजाब आएगा उससे हमें बचाना। फनजैनाहु, तो हमने उनको भी बचाया, वा अहलहु, और उनके घर वालों को भी, अजमाइन, सब के सब को, इल्ला अजूज, इल्ला अजूजन, मगर वो बुढ़ी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो नहीं मानती थी उसके ऊपर भी आजाब आया। फिल गाबिरीन, वो थी पीछे रहने वालों में से। इन फी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी, अगर निशानी सुनना चाहते हो। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं है अक्सर लोग मानने वाले। इन रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तेरा रब गालिब है, वही तो गालिब है, अर रहीम, वही तो रहम करने वाला है। कज़्ज़बा अस्हाबुल लैकतिल मुरसलीन, इस कड़ी के आखिरी रसूल की बात सुनो, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, झूठा कहा अस्हाबुल ऐका, जंगल वालों ने, अल मुरसलीन, रसूलों को। ये नबी कहाँ थे? मिस्र से जब सीरिया जाएंगे तो उर्दुन का इलाका आएगा, ये उर्दुन के इलाके में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। इनकी कौम में भी कुछ खराबियां थी, इनको समझाया गया, इनके दो तबके थे, एक शहर में रहते थे, एक देहात में, देहात वालों को ऐका और शहर वालों को असहाब मदियन। इज काल लहुम शुएब, याद करो जब उनसे हजरत शुएब ने कहा था, अला तत्तकून, क्या तुम बचते नहीं हो? इन्नी लकुम रसूल अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह वातीउन, तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात कहना मानो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं इस पर तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता। इन अज्री इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरी मजदूरी मगर जहानों के रब पर। औफुल कैला, इनमें एक खास खराबी थी। क्या खराबी थी? लोगों के जहन में, वो मैं बार बार कहता हूँ ना, जब भी कोई मजहब की बात आती है लोग सोचते हैं कोई पूजा पाठ की बात सिखाएंगे। नहीं, मजहब का काम सिर्फ पूजा पाठ सिखाना है, पैदा होने से लेकर मरने तक सारी बातें बताना। इनके यहाँ ये खराबी थी, क्या करते थे? चोरियां करते थे, डकैतियां डालते थे। सबसे बड़ी खराबी, इनके बिजनेसमैन कम नापते और कम तोलते थे। उसके लिए कहा औफुल कैला, पूरा करो नापने को। वल मीज़ान, ना वला तकूनु मिनल मुखसरीन, और मत हो जाओ मुखसरीन, लोगों को घटा कर देने वालों में से। वजीनू, और तोलो तुम बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, सीधी तराजू से, सीधी रखो तरखड़ी। वला तबखसुन नास, और घटाओ मत लोगों को, अशियाहुम यानी उनकी चीजों को। वला तासो फिल अर्द मुफसिदीन, और मत फिरो तुम जमीन में फसाद करते हुए, क्या कर रहे हो? वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम, डरो उस जात से, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको भी पैदा किया। वल जिबिल्लतल अव्वलीन, जबिल्ला जबील की जमा खलकत, और तुमसे पहली मखलूक को। पालो इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन, इन्होंने भी कहा ए शुएब अलैहिस्सलाम तुझ पर भी जादू हो गया है। अरे जहां हक ना मिले वहां लूट ही सही, जहां सच ना मिले वहां झूठ ही सही, मजे मारो, क्या बातें कह रहे, पूरा नापो, पूरा तोलो, जादू हो गया आप पर। वमा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना, और नहीं आप मगर हमारी तरह के बशर हो। बशर कैसे नबी हो जाएगा? वह इन नजुन्नु का, और बेशक हम गुमान करते हैं आपको, लमिनल काज़िबीन, आप पक्के झूठों में से हो। फस्कित अलैना, डराता है, खुदा का अजाब आएगा, खुदा का अजाब आएगा, हम नहीं मानते। अस्कित अलैना, गिरा हमारे ऊपर, किसफ मिन समा, आसमान के टुकड़े, इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू सच्चा है। ला अजाब कहाँ है? फरमाया मेरा काम अजाब लाना नहीं है। आज बहुत सारे लोग बुजुर्ग बनते फिरते हैं ना, तो उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो तो कहते हैं अच्छा करूं बेड़ा गर्क। समझ जाओ कि ये बुजुर्ग, बुजुर्गों का ये काम नहीं है। बुजुर्ग क्या कहेगा? मेरा नहीं, मैंने तुमको बात बता दी, अब तुम्हें सजा देगा नहीं देगा वो मेरे मालिक का काम है, वो तुम्हें किस तरह रखेगा वो उसका काम। इन
فقال ربي اعلم بما تعملون فرمایا میرا رب تھوڑی دیر ٹھہر جما دے دیتے ہیں اور کوئی کام کر لو اس کے بعد کر لو آدھا گھنٹہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربی اعلم بما تعملون فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو فکذبوہ تو انہوں نے ان کو جھوٹا کہہ دیا فاخذہم عذاب یوم الذلہ پکڑا ان کو بھی ایک سائے کے عذاب نے سائے کا عذاب کیا تھا روایات میں ہے کہ ایک دھواں آیا 7 دن ان کے اوپر چھایا رہا اور 8ویں دن آگ کے انگارے برسنے لگ گئے انہو کان عذاب یوم عظیم بے شک یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم آمدم برسر مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے پرشن کا مگر اردو میں بھی مشہور ہے کیا بولتے ہیں پہلے آدمی ادھر ادھر کی بات کر کے نا گراؤنڈ بناتا ہے اس کے بعد اصلی بات کہتا ہے اس کو بولتے ہیں آمدم برسر مطلب اب میں اصلی بات کہتا ہوں تو اب سنو کام کی بات یہ ساری باتیں کس لیے سنائی جا رہی ہیں مکہ والوں کو عرب والوں کو اور آج کے لوگوں کو بھی فرمایا اس پر غور کرو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں تھے نہیں یہ باتیں کس طرح سنا رہے ہیں اور اس دور کے اس علاقے کی قوموں نے تسلیم کیا کہ یہ سب باتیں ہو بہو اسی طرح ہوئیں یہودیوں نے تسلیم کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل اسی طرح ہے یہ سنانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے اب بات آئی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک یہ جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے وہ جو سب کا مالک سارے جہانوں کا مالک ہے یہ اس کا اتارا ہوا ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اس کو لے کر اترا ہے ایک امانت وار فرشتہ روح الامین حضرت جبرائیل عَلَى قَلْبِكَ اور یہ اترا ہے آپ کے دل کے اوپر انسان جو باتیں سمجھ سکتا ہے اس کے چند ذرائع ہیں کیا ذریعہ ہے اس کا کان سے سنے گا آنکھ سے دیکھے گا زبان سے کسی سے پوچھے گا اور ایسے دیکھ کر کے سمجھے گا کہ یہ نرم ہے ملائم ہے کیسا ہے یا دماغ سے کچھ باتوں کو جوڑ کر کے سمجھ لے گا لیکن وہ باتیں جو ان ذرائعوں میں سے کسی سے سمجھ میں نہ آئیں تو وہ انسان کیسے سمجھے گا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اتنے سال کے بعد یہ ہو جائے گا اتنے سال کے بعد یہ ہو جائے گا اتنے سال کے بعد یہ ہو جائے گا یہ کیسے بتائے گا یہ ان چیزوں سے تو معلوم نہیں ہوتا ہے فرمایا یہ براہ راست ان کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے پھر یہ اس کو سنا رہے ہیں یہ کلام ہے اس مالک کا جو ان کے دل پر اترتا ہے عَلَى قَلْبِكَ آپ کے دل پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ آپ ہو جائیں آگاہ کرنے والوں میں سے آگاہ کریں لوگوں کو اور اترا کس میں ہے بلسان عربی مبین صاف صاف عربی زبان میں یہ بات بھی میں نے بہت دفعہ بتائی پھر عرض کرتا ہوں قرآن انٹرنیشنل کتاب ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے لیکن سوال پیدا ہوا عربی میں کیوں اتری تو پہلا جواب تو یہ ہے بولو کس میں اترے گی سونے والوں کو جگانے کے لیے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہنس مکھ آدمی تھے آخر میں تھوڑی بیماری کی وجہ سے چڑچڑا مزاج آ گیا تھا ورنہ بہت ہنس مکھ آدمی یہ مسجدوں میں کشمیری لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں نا صبح کو اس کو بولتے ہیں دعائے صبح ہے نا کشمیری سمجھ گئے وہ توبہ کر دیں توبہ کر دیں استر نو مسلمان گشتے ہیں ہے نا وہ صبح پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے تھے وہ ضروری بھی نہیں تو نماز پڑھ کے واپس آ گئے چھنی کی جامع مسجد کی بات ہے تو ان کے ایک دوست تھے کشمیری انہوں نے کہا مجید صاحب آپ نے دعائے صبح کیوں نہیں پڑھی کہنے لگے نہیں پڑھی کہا دعائے صبح عرش کے اوپر فرشتے بھی پڑھتے ہیں اللہ کے پاس جو مخلوق ہے فرشتے وہ بھی دعائے صبح پڑھتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ایسے ہی بیچارہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ایسے ہوا میں یوں ہی ٹھوک رہا لوگوں میں باتیں مشہور ہوتی ہیں نا تو یہ یوں ہی ہوائی بات کہتا ہے دعائے صبح تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں وہ کہنے لگے پھر تو میں کبھی نہیں پڑھوں گا کہا وہ کیوں نہیں پڑھے گا کہتا ہے اگر فرشتے دعائے صبح پڑھتے ہیں تو
تو یہ کشمیری میں کیوں پڑھتے ہیں, گوجری میں کیوں نہیں پڑھتے, انہیں موت پڑتی ہے؟ کہتے تم کشمیری لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور فرشتوں سے کہہ رہے کہ کشمیری میں پڑھنا گوجری میں نہیں پڑھنا. تو قرآن عربی میں ہے, کوئی کہے عربی میں کیوں آیا, بھائی اس کا پہلا جواب تو یہ, اچھا ڈوگری میں بھیج دیں تو پھر سوال ہوگا ڈوگری میں کیوں آیا, کوئی کہے جی گوجری میں بھیج دیتے ہیں, تو کشمیری کہیں کوشے بٹ کے اس میں کیوں نہیں آیا کشمیری میں, تو یہ تو ایسا سوال ہوگا اس کا کوئی نہیں. عربی میں اس لیے آیا جو روحانی باتیں قرآن پاک کہنا چاہتا ہے وہ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں آج بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی زبانوں میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے, آج جو بہت ساری نئی زبانیں ہیں ان میں کہو نا ڈوگری میں کتنی چیزیں ہیں, لکھو, لکھ ہی نہیں پاتا ہے آدمی. ہیں کتنی زبانوں کے ماہر کشمیریوں کو بولو, خود کشمیری نہیں پڑھ سکتے. یہ سراج منیرہ گوجری میں موجود ہیں, ماسٹر جی کہتے دو کتابیں لی میں نے, ایک اپنے لیے لی, ایک اپنے دوست کے لیے, اس کو کہا پڑھ کے سنا, کہتے جی میں پڑھنی نہیں آتی. نہیں پڑھ سکتے ہیں لوگ, مگر عربی ترقی یافتہ زبان ہے اور کائنات میں سب سے پہلی زبان ہے, یہ ہسٹری سے ثابت ہے, کیونکہ اس سے پہلے عبری ہے. لیکن عبری کے جب الفاظ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی بیس بالکل عربی معلوم ہوتی ہے, بالکل آج بھی. جیسے پیچھے آیا تھا نا صلات, عبادت خانے کے لیے لفظ آئے, ان کے یہاں بھی ہے, بس صرف وہ صلات کو شلات کہتے ہیں, تو ذرا سا لفظ بدل گئے. عربی میں صوت ہے, اسی کو انگلش میں ساؤنڈ کہہ دیا گیا, بالکل الفاظ ملتے ہوئے. جو ماہر لسانیات ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عربی دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے, اور خاص طور سے جس طرح سائنس کی باتیں جس طرح انگلش میں آدمی کہہ سکتا ہے, اس طرح دوسری زبان میں نہیں آسان, کیونکہ اسی میں وہ فن سب سے پہلے ایجاد ہوا ہے. اس طرح روحانیت کی باتیں جو عربی میں کہی جا سکتی ہیں وہ کسی دوسری زبان میں نہیں. پہلے اس میں عربی میں سمجھیں گے, پھر اس کو دوسری زبان میں سمجھ جائے گا آدمی. اور سنو, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یہ وہ کتاب ہے جو پرانی کتابوں میں بھی تھی. پرانی کتابوں میں تھی مطلب تورات میں, انجیل میں, زبور میں, ویداز میں, اپنشد میں, ہر ایک مذہبی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا, اور یہ مضمون لمبا ہو جائے گا, ورنہ ہم ثابت کریں گے ہر ایک کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں ذکر آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا. اور دوسرے معنی, جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یہ باتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے, کوئی دانت توڑے اس کا دانت توڑ دو تاکہ دوسرا کوئی کسی کا دانت توڑنے کی ہمت نہ کرے. ابھی پیچھے ہم پڑھ چکے, قرآن نے کہا کہ یہ سب سے پہلے بات کس میں آئی تھی, تورات میں آئی تھی. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا عجیب انداز ہے. فرمایا کیا مکہ والے اس بات سے بھی نہیں سمجھے کہ مکہ کے لوگ تو ان پڑھ ہیں, مگر یہودی اور عیسائیوں کے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس قرآن کو, اور وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ رب کا کلام ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. مکہ کے کافر ایک عجیب بات کہتے تھے, کہتے تھے اگر خدا نے کوئی کتاب بھیجنی ہی تھی تو پھر کسی غیر عربی کے اوپر کیوں نہیں بھیج دی کتاب. اور میں اگر غیر عربی پر ہوتی, انگلش میں کتاب ہوتی, تم سمجھتے اس کو کیا چیز بات کر رہے ہو. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ, اور اگر ہم اس کو اتارتے, عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ, کسی اجمی آدمی کے اوپر, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ, پھر وہ اس کو ان کے سامنے پڑھتا, مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, تب بھی تو یہ ماننے والے نہیں تھے. تو پھر یہ باتیں کیوں کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح یہ انکار والی باتیں کہ نہیں ماننا ہم نے, یہ کرمنل لوگوں کے دلوں میں گھسا دیتے ہیں, جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, گندے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو پھر سچ سمجھ میں آتا ہی نہیں. جیسا ابھی ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ آپ سچے ہیں اور جھوٹوں کو سچ اچھا نہیں لگتا ہے. لا یؤمنون بہ, وہ نہیں مانیں گے اس کو, حتی یروا العذاب الالیم, یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اگر اسی کا انتظار ہے, فیاتیہم بغتا, تو وہ عذاب آ جائے گا اچانک ہی. وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. فیقولون, تو پھر یہ کہیں گے, حل نحن منظرون, کیا ہم کو مہلت دی جائے گی؟ جب عذاب آئے گا پھر مہلت ملے گی. افبی عذابنا یستعجلون, تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے؟ افرائیت ان متعناہم سنین, اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ غور تو کیجئے, اگر ہم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیں سنین کئی سالوں تک, ثم جاءہم, کئی سالوں کے بعد پھر آ جائے, ما وہ عذاب, کانوا یوعدون, جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے,
अब इनको पूछा जाएगा जो इतने साल तुम जीते रहे उस जीने से कोई फायदा हुआ? मा अगना अनकुम, नहीं काम आएगा इनको, मा कानू युमत्तऊन, जो उनको जिंदगी गुजारने का सामान दिया गया था इतने अरसे तक। वमा अहलकना मिन क़रियतिन, और सुनो आज तक जितनी बस्तियां हलाक हुई वो तब हलाक हुई पहले अल्लाह ने उनके लिए कोई डराने वाला भेजा, ए मक्का वालों तुम्हारे पास भी डराने वाला आ चुका है, अब अगर तुम नहीं मानोगे तुम पर भी अजाब आएगा। वमा अहलकना मिन क़रियतिन, और नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को, इल्ला लहा मुनज़िरून, मगर उनके लिए एक आगाह करने वाले थे, ज़िक्रा, समझाने के लिए, नसीहत के लिए। वमा कुन्ना ज़ालिमीन, और इसलिए हम समझाने के लिए भेजते हैं कि हम जालिम नहीं है। क़यामत के दिन कोई कहे हमें समझाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, तो ये तो जुल्म, फरमाया हम जालिम नहीं, हम पहले भेजते हैं समझाने वालों को। अब दो एतराज का जवाब है, बात तवज्जो से सुनेंगे, बस खत्म होने वाली है, हम अपने वक्त पर इंशाल्लाह पूरा करेंगे। दो एतराज, क्या एतराज थे? एक तो वो कहते थे कि असल में कोई ओपरी मखलूक है, हमारे यहां ओपरी बोलते हैं जिन, कोई जिन है जो इनको आकर बता जाता है ये कुरान की बातें, और ये उनको सिखा देता और ये फिर हमें धौंस जमाते हैं और हमें आकर के सुनाने लगते हैं, अब हमसे मुकाबला तो इसको होता नहीं, लेकिन ये इनको कोई जिन सिखा गया है। जवाब देता है कुरान इसका, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ, और इस कुरान को लेकर के शैतान नहीं उतरे हैं, وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ, और शैतानों के लिए ये बात मुनासिब ही नहीं है। भाई शैतान तो शैतानी के काम करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं कभी? कोई आदमी किसी को कहा जाए कि ये फलां काम किसने किया, कहा फलां बदमाश ने, अरे बदमाश अच्छे काम करता है तो बदमाशी क्यों रहा? शैतान का काम है गंदे काम करना, तो क्या शैतान अच्छी बातें बताएगा? जिन्हों में से नेक भी हैं मगर नेकों का तो ये काम नहीं। वमा तनज़लत बिही शयातीन, इसको लेकर शैतान नहीं उतरे, वमा यंबगी लहुम, और शैतानों के लिए मुनासिब भी नहीं, वमा यस्ततीउन, और वो इसकी ताकत भी नहीं रखते हैं कि ऐसी ऐसा कुरान बना सकें। अगर शैतान बनाते हैं तो तुम शैतानों से मदद लेकर के बना लो, इन्नहुम अन समई लमअज़ूलून, बेशक वो तो इसके सुनने से भी दूर रखे जाते हैं, वो तो इसके सुनने से भी, सबसे पहले जब फरिश्ते इसकी तिलावत करते हैं तो वो सुन नहीं पाते हैं, अलबत्ता तबअन इंसान जब पढ़ता है कुरान तो शैतान तो तब भी नहीं सुन सकता है, तो जो इसको सुन ना सके वो इसको बना सकेगा? और ये बात कि वो कहते थे आपके ऊपर शैतान ने ये उतारा है, इसके लिए हमारे पास सबूत है। अबू लहब जो आपका चाचा था, सका चाचा मगर दुश्मन, उसकी बीवी क्या कहती थी, कुछ दिन वही नहीं नाजिल हुई, बुखारी की रिवायत है, उसने कहा हल तरह का शैतान का, क्या तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया, अब आता नहीं वो तेरे पास कोई वही लेकर के, ये था उनका जहन। फला तद्वु मा अल्लाह इलाहन आखर, मेरे नबी ये तेरे रब का कलाम है, इसका एक ही पैगाम है, फला तद्वु मा अल्लाह, उस अकेले अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, अल्लाहु अकबर, अगर उसके साथ आप भी पुकारेंगे आप भी हो जाएंगे अजाब दिए हुए। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं नहीं, हमको समझाने के लिए। वानज़िर आशीरतका अल्अक़रबीन, और इस कुरान के जरिए से अपने करीबी रिश्तेदारों को समझाओ, अपने घर से शुरू करो, करीबी रिश्तेदारों को समझाओ। ये वो आयत है जिसके लिए मैंने कहा था कि एक आयत है जिससे पता चलेगा कि ये सूरत सन 4 हिजरी में नाजिल हो, 4 नबवी में नाजिल हो चुकी थी, यानी आपकी उम्र हुई 40 साल की, 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, समझाना शुरू किया, उसके 3 साल बाद तक आप चुपके चुपके लोगों को समझाते रहे, और इस चुपके चुपके कितने लोग जुड़े, इब्ने हिशाम ने कहा 40 लोग, और उसने 40 लोगों की लिस्ट भी पेश की, उसके बाद अल्लाह की तरफ से यह आयत आई, इसमें कहा गया अपने करीबी रिश्तेदारों को समझाओ। इस पर आपने हजरत अली से फरमाया कि हमारे खानदान बनू हाशिम के तमाम लोगों की दावत करो, सब लोगों की दावत की, 40 के करीब लोग आए और सब ने खूब पेट भर भर के रोटियां खाई, अच्छी तरह खाया। खाने के बाद जैसे आप खड़े हुए, तो चूंकि वो जो 3 साल आप चुपके चुपके दावत दे रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उनको पता नहीं था, पता था लोगों को, लेकिन लोग उसको कोई ज्यादा अहमियत नहीं देते थे,
कोई सीरियस नहीं लेते थे, वो सोचते थे ऐसे पहले भी लोग करते रहते थे, हाँ ये भी कुछ कर रहे हैं, कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन समझते थे। अब जैसे आप खड़े हुए तो ये सगा चाचा अबू लहब खड़ा हो गया, ये बदबख्त, कहने लगा नहीं 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 नहीं, हम तेरी तकरीरें सुनने के लिए नहीं आए हैं, तूने बुलाया खाने के लिए और तकरीरें सुनने लगे, नहीं 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 ऐसी बातें मैं नहीं सुनूंगा। इसने बात ही नहीं करने दी बदबख्त ने। कुछ दिन गुजरे, आपने बहुत परेशान, तो आपकी फूफियों ने देखा कि अल्लाह के नबी बहुत परेशान हैं, तो पूछा आप क्यों परेशान हैं, कहा मेरा रब कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों को ये पैगाम पहुंचाओ, मगर रिश्तेदार बात नहीं मानते हैं, मैं कैसे पहुंचाऊं, परेशान हूं। फरमाया फिर दावत करो। आपने फिर दावत की, फिर लोगों को बुलाया गया, 40 के करीब फिर लोग आए, फिर रोटियां खाई, पेट भर के खाई, फिर आप खड़े हुए तकरीर के लिए। अब जैसे आप खड़े हुए, फिर अबू तालिब, वो अबू लहब खड़ा हो गया चाचा, कहने लगा नहीं 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 मैंने नहीं तकरीर सुननी तेरी। और उसने कहा कि देख, अगर तू कोई ऐसी बात करेगा जिसकी वजह से लोग हमारे दुश्मन हो जाएं, तो हम तेरा हाथ पकड़ लेंगे, और मैं ज्यादा लायक हूं कि तेरा हाथ पकड़ लूं, तो मैं तेरा चाचा हूं, तू पंगा करता है, बिरादरी को के लिए मुसीबत खड़ी करता है। उस पर अबू तालिब खड़ा हुआ, उसने कहा भाई तू रोटियां खाता है, बात नहीं करने सुनने देता, बैठ इजलिस से यार रजुल, नीचे बैठ, पहले बात करने दे पूरी, बात ही नहीं सुनता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक का तारुफ कराया, लोगो तुम्हारा मालिक एक है, उस एक मालिक की मानो, उसके कानून को तस्लीम करो, उसके सिवा किसी की मत पूजा करो। जबरदस्त तकरीर फरमाई, आपने खुतबा दिया, लेकिन अब खुतबा सुन करके जैसे सांप सूंघ गया, चुप, कोई जवाब ही नहीं देता है। अबू तालिब उठा, उसने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, मगर अपने बाप दादा का दीन मैं नहीं छोड़ूंगा। एक कोने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला, यही अबू तालिब के बेटे, वो बैठे हुए थे, वो उठे, फरमाया अगरचे मैं इस मजलिस में सबसे छोटा हूं, अगरचे मेरी टांगे भी पतली पतली हैं, कमजोर भी हूं मैं, मगर मैं इस मिशन के लिए आपका साथ दूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। और बुखारी ने रिवायत की कि इसी के बाद फिर आपने दूसरा भी किया, वो जिसके लिए सूरह हिजर में आया, फसदा बिमा तुमर, अब डंके की चोट पर पहुंचा दे सबको, सबको कह दे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फसदा बिमा तुमर आरदानिल मुशरिकीन, इन शिर्क करने वालों की कोई परवाह नहीं, इन्ना कफ़ीना का, हम काफी हैं तेरे लिए। तो फिर आप एक पहाड़ पर चढ़े, मक्का के पास एक पहाड़ था, तो आपने कहा वाह सबाहा, ये एक ऐसा लफ्ज था कि अरब के लोग सुनकर समझते थे कोई खतरे की बात है, सब दौड़ पड़ते थे, सब दौड़े, जमा हुए, आप पहाड़ के ऊपर थे, लोग सामने मैदान में इकट्ठे हुए, आपने फरमाया लोगो अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करेगी तो तुम मानोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल मानेंगे। कहा क्यों मानोगे? कहा इसलिए कि आपको आज तक झूठ बोलते नहीं देखा। फिर अल्लाह, आपने अल्लाह का दीन पहुंचाया, फरमाया तुम्हारे पीछे मौत आ रही है, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत खा जाएगी, उसकी तैयारी की जरूरत है। फिर यह अबू लहब खड़ा हुआ, इसने दोनों हाथों में पत्थर लिए और आपकी तरफ फेंके, जिसके ऊपर सूरह लहब नाजिल हुई। अल्लाह कहता वख़्फ़िद जनाहक लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और जो जो ईमान ले आए और आपकी पैरवी करें उनको तो अपने परों में छुपा लो, फइन असौका, फिर अगर ये तेरी नाफरमानी करें, फकुल इन्नी बरीउन, आप कह दीजिए मैं बरी हूं, मिम्मा तामलून, जो कुछ तुम करते हो मुझे उसका जवाब नहीं देना, तुमने अपने करतूतों का खुद जवाब देना है, और आप घबराएं नहीं, वतवक्कल, भरोसा कर, अल-अज़ीज, उस पर जो सब पर गालिब है, शुरू सूरत से कहा जा रहा है अजीज रहीम, अजीज रहीम, जो सब पर गालिब है, मगर क्या है रहीम, बड़ी कृपा करने वाला, बहुत मेहरबान, बहुत ही देने वाला, वो है गालिब मगर यूं ही नहीं मारता रहता, मौका देता है, मौका देता है। अल्लज़ी यराका, जो तुझे देखता है, हीन तकूम, जब तू उठता है, वह तकल्लुबका फिस्साजिदीन, और वो देखता है तेरा चलना फिरना, फिस्साजिदीन, सजदा करने वालों में, इन्नहु वस्समीउल अलीम, बेशक वही तो सुनने वाला, वही तो जानने वाला है। हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुमको बताऊं, अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, के शैतान किस पर उतरते हैं, कहते हैं इनके पास शैतान आता है, अब बताएं शैतान किस पर उतरते हैं, तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन नसीम, उतरते हैं वो अला कुल्ली अफ़ाकिन, हर एक झूठे पर, अफ़ाक बड़ा झूठा, असीम बड़ा गंदा इंसान, उन गंदे लोगों के ऊपर, गुनहगारों पर शैतान आते हैं, और शैतान क्या करते हैं, युल्कून अस्समा,
सुनी सुनाई बातें उनको सुनाते हैं। वह अक्सर हम काजिबून, और उनमें से अक्सर लोग झूठे होते हैं। एक बात का जवाब हो गया कि ये शैतानों का कहा हुआ। दूसरी बात बाकी बच गई थी कि आप शायरी करते हैं। क्या करते थे? शायरी है जी, कविता लिखते, नज़में लिखते, गज़लें लिखते, फिर सुनाते हैं लोगों को। कमाल बात है, ये शायरी तुम्हें नजर आ रही है। वश्शुराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शायर वो होते हैं जिनके पीछे चलते हैं अलगाबून, सिर फिरे लोग, गुमराह लोग, पागल लोग, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। और ये ऐसी कमजोरी बयान की शायरों की अल्लाह ने कि इससे बड़े से बड़ा शायर भी खाली नहीं है। यहाँ तक कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं, लेकिन उनके साथियों में भी कोई ऐसा साथी है जिसको कहें कि इसने इकबाल की बात को समझा और जैसा इकबाल चाहता था कि आदमी होना चाहिए वैसा ये बन गया? नहीं नहीं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या देखते नहीं हो कि उनका कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, कोई मजमून ही नहीं होता। वो अजीब किस्म की, कभी आसमान की, कभी जमीन की। अलम तरा अन्नहुम, क्या नहीं देखते हो कि वो फी कुल्ली वादी यहीमून, हर वादी में सर मारते फिरते हैं। वह अन्नहुम यकूलून, और आखिरी बात, शायर वो होते हैं यकूलू ना, जो कहते हैं, मा यफालून, जो कर नहीं सकते। अगर शायरी सुनो ना, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, मगर करीब जाकर देखो बुजदिल आज़म है। हर शायर का यही हाल है। बल्कि इकबाल ने अपने लिए खुद क्या कहा, क्या कहा? इकबाल बड़ा उपदेशक है, मुह लेता है मन बातों में, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आसान काम नहीं। शायरी सुनो, गालिब क्या कहता है, हुए मर्द के हम रुसवा, न हुए गरी के दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। क्या, लेकिन है कौन है? कहता है गालिब, हम तुझे वली समझते, घर न बादा खार होता। बातें बयान कर रहा है ऐसा आदमी, कहता है मगर उल्लू के पट्टे है तो तू शराबी, कौन तुझे मानेगा शराबी को, खुद शराब पीता। शायर वो कहता है जो कर नहीं सकता। यहां उन वो पेश कर रहे हैं कुरान अल्लाह के नबी, जो पहले करते हैं उसके बाद बोलते हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसे शायरी हो सकती है? इल्लल्लज़ीना आमनू, हा शायरों में भी जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाति, और नेक अमल करने लग गए, वज़करुल्लाह, और उन्होंने अल्लाह को याद किया, कसीरन बहुत ज्यादा, वंतसरु, और उन्होंने बदला लिया, मिन बादी मा ज़ुलिमू, इसके बाद के उन पर जुल्म किया गया था, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, छोड़ो इन सब बातों को, अनकरीब बादल छटेंगे, अनकरीब मौत का फरिश्ता आएगा और अर्थी घर से निकलेगी और पता चल जाएगा कौन कहां पहुंचा। वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु, अनकरीब जान लेंगे जालिम, अय्यमुन क़लबिन, कौन सी जगह है लौट कर जाने की, यनकलिबून, जहां वो लौट करके जाएंगे। सदकल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। इरादा था मेरा आज पूरा पारा करने का, हो नहीं।